भाई मैं फेल हो गया। टीचर ने ना मम्मी से बात करने बोला है। तू करेगा? मैं नहीं करता। तू मेरी चॉकलेट भी ले लेना प्लीज। अच्छा चल। हेलो आंजी। हाँ जी प्यारी पिना सर, मैं स्माइली बोल रहा। वो जो पूरी तरह फेल नहीं हुआ सर जी, मेरी मम्मी ने गल करो सर जी। हाँ जी। हेलो जी, क्या फिर से फेल हो गया? अरे कोई बात नहीं जी, अगले साल पास हो जाएगा। अरे पंजाबी आधा मुंडा है जी, अगर फेल हो भी गया तो क्या हुआ, प्लॉट बेच के एल्बम बनवा लेंगे। हाँ जी रख दिया जी। अरे तो तैयार नहीं हो अब तक? राम राम लक्ष्मण सब तैयार हो गए। मैं नहीं बन रहा सीता, कितनी बार कह चुका हूँ हनुमान बना दो राम बना दो, पर तू तो सीता भी अटके हुए हो। इसका सीता बना दो ना। है? पंजाबी सीता? ओ ना 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 ना, ओए तू लड़की की आवाज अच्छी निकाल लेता है, मेरे को नहीं आती। ऐसा मत बोल यार, बस इस बार बन जा, आखिरी बार। पक्का? राम कसम। मैं नहीं बन रहा सीता, अरे बचपन से बनता आ रहा हूँ। अरे ऐसो मत बोल, लास्ट टाइम बन जा सीता, अगली बार से बिना सीता के रामलीला कर लेंगे हम। ले बिल्कुल नहीं, जामवन नील जटायु हिरन बना दो, सीता ना बनूंगा। भैया माता सीता तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओ लोग तुझे देखने नहीं तेरी आवाज सुनने आते हैं। और जी ये 2151 का इनाम मिलता है ना तुझे, वो जब तक तू सीता बनता रहेगा तब तक ही मिलेगा, उसके बाद बन, समझा? बनेगा सीते माते, सीते माते। मम्मी सीता मैया कब आएंगी? आएंगी आएंगी। ले ले इसे जटाई को पहना दे, उसको बना दे सीता। अरे रुक, इधर ले आओ। बनेगा जब तक नौकरी नहीं मिलती, बन जाऊंगा। ये ले सीते माते। प्रभु सीता मैया आ गई। प्रभु प्रभु आप आए हैं। जगजीत जी। वासुदेवाय नमः। जगजीत जी। हाँ बोलो, काका लेओगे? अगरबत्ती कंडा मटका चंदन की खपच्चियां। किस्त किस्त? बहुत ही निकम्मे आदमी हो यार, मरने की सामग्री भी किस्तों पे मांग रहे हो। बैंक की किस्त? कौन से बैंक की किस्त? लोन लिया है वहाँ की किस्त? हमने तो 6 बैंकन से लोन लाओ है। जहाँ 3 महीने की किस्त ना भरी वो किस्त? हमने तो 3 की नहीं भरी। जहाँ तुम्हारा घर गिरवी रखा है। तो ऐसो बोलो ना मिथिलेश जी। तो कैसे बोलूं? सुनो, अगर जामिना बैंक की किस्त ना भरी ना, तो बैंक भाई तुम्हें घर बेच देंगे। अच्छा मिथिलेश, ऐसो करो परसों आ जाओ। परसों? हाँ परसों। ठीक है। हाँ परसों तो संडे है। अरे अब की बार संडे परसों पड़ गो, ऐसा कैसे हो गो यार। अच्छा तो ऐसो करो तुम मंडे आ जाओ। पक्को? पक्का। और कहो तो घर के लिए कुछ बांध दूं। ऐसे कह रहे हो जैसे जलेबी की दुकान कर रखी है। थैंक यू भैया। करम भैया, राधे राधे। आशीर्वाद ले सीता भैया से, पहले दिन है आज इसके स्कूल का। आयुष्मान भव। प्रणाम सीता भैया। बताओ बेटा इतना अच्छा बाप ऐसा। ए मिथिलेश, स्कूटर ध्यान से चलाइयो, ऐसो ना हो जाए कि हम इधर किस्ते लेके बैठे और तुम किस्तों में बट जाओ। हेलो, तुम आओ। सुप्रभात सीता मैया। जे लो 11,500, मोबाइल ले लो। तुम्हारी अम्मा ने कितने व्रत उपवास करके एक लड़का पैदा करो, और तुम लड़की बने स्वांग रचाते फिर रहे। रामलीला में सीता बन जाते हो, किशन लीला में राधा हो जाते हो। नल नील जामवंत जटायु विभीषण बनके 1100 रुपया लाते तो कलेजे को ठंडक पहुंचती। तो भाई अम्मा होती पता नहीं कहाँ कहती। अम्मा भी तो लड़की थी ना पापा। पर तुम तो लड़का हो, और तुम्हें मालूम नहीं है हम पे कितना लोन है।
ये घर लोन पे है, दुकान लोन पे, हमको तो लोन पे। आप भी तो ब्लड बैंक छोड़कर हर एक बैंक से लोन ले रखो। हमें लोन लेवे को बेटा शौक थोड़े पड़ो है कि खाली बैठे के चलो लोन ही ले लें। नौकरी लगे तो लोन उतरे। हाँ कर रहे ट्राई। अब इतिहास पढ़ के इंटरव्यू देने की कोई एड्रेस पूछता इंटरव्यू दे डालता हूँ। आज रिजल्ट आने वाला है, मिल जाएगी नौकरी। मिल जाए तो ही अच्छो है बेटा। और सुनो मौत होके जाइयो। सीता मैया बार बार फेल होती अच्छी नहीं लगे। आगे जाके उतर जाओ। अरे करम भैया इंटरव्यू देवे गए थे, कहाँ मिल गई नौकरी? हाँ व्हाइट हाउस में ट्रंप लग गया, वहीं घुमा ले। मतलब फिर ना मिली? टिकट देना। गोकुल बत्रा फटाफट जल्दी आओ। हाँ भैया आगे टिकट छोटे पैसे निकाल लो भाई। आप बैठ जाइए। नहीं नहीं भैया मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं मैं तो घर पे वैसे ही बैठे रहता हूँ। बैठिए। धन्यवाद भैया। तुम्हारी कितनी टिकट है? 70,000 प्रति महीना। इन लोगों ने सरकारी बस का कचरा मचा रखा है। और ड्राइवर बस रोकियो। अरे काहे को सैलरी मिलने से पहले कट गया। भैया जी जो 39-40 कहाँ पड़ेगा? अरे है या या नीचे नीचे हाँ नीचे आओ। आ रहे आ जा। चले भैया फटाफट ठीक कर दे। इसको ठीक करने के 70,000 रुपए? 70,000? अरे तो ठीक है ना, आकर ले जाओ ना कैश। हाँ और सुनो और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना गुंजन, ठीक है? ओके ओके। हाँ भैया हो गया इन्वर्टर ठीक? भाई जी ये ठीक करने के 70,000 रुपए मांग रहा है। 2 मिनट के लिए बाथरूम क्या गए? महंगाई इतनी बढ़ गई। सर जी नहीं जी, तो तू इन्वर्टर ठीक करने वाला नहीं है? मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू? जी सर। भाई तेरे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। सर मैं मिडिल क्लास होते हुए फर्स्ट क्लास हूँ सर। सर मैंने एमए कर रखी है सर, ऊपर से बीए भी, एमफिल सब कर रखा है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर प्लीज। सर मैं क्रोशे का काम भी जानता हूँ, स्वेटर और नाश्ता और मोर बना सकता हूँ सर। माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखें। माँ बनने का जॉब का? ए भैया हमको यहाँ कोई मोर वोर नहीं नचवाना है, आप जाओ यहाँ से, लो पकड़ो प्लीज। अरे ये तो गली पड़ रहा है भाई। सर मैं करूंगा। अरे बोल दिया ना चलो नौकरी। सर मैं करूंगा। अरे बोल दिया नौकरी। अरे बोल दिया तुम्हें, मैं सब करूंगा। तुम्हारे लायक कोई काम है ही नहीं यहां। वो भी मेरे लायक मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। सर ठीक सर चल। सर बाथरूम में कौन सी जॉब है सर? चला अच्छा चल हम तुमको दिखाते हैं। देख बढ़िया से देख। लड़की नहीं चाहिए सर, नौकरी चाहिए। अबे हम तुमको लड़की नहीं दिखा रहे हैं, तो इधर आओ। आइए सर। सुन ध्यान से। हाय बेबी कैसे हो? बहुत धन्यवाद याद आई। ये मीठी मीठी बातें, दोस्ती, लव कॉल्स, फ्रेंडशिप कॉल सेंटर है ये? हाँ बाबा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कल फोन करोगे ना मुझे? मिलूंगी जानू, जरूर मिलूंगी तुमसे। जुमले पप्पी तक तो ठीक है, देखो ऐसे बदतमीजी से मुझसे बात मत किया समझे? क्या बात कर रहे हैं सर? बिजली की दुकान बाहर और झटके अंदर, समझ गया ना? हाँ। चल निकल निकल चल। सर क्या है? सर पूजा आज फिर से ऑफिस नहीं आई है, उसके कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा है। तो हम बात करें, किसी और को ट्रांसफर करो। अरे सर वो उसका रेगुलर कस्टमर है, वो मुझसे ही बात नहीं कर रहा था, किसी और से क्या बात करेगा। तू जा बहन, ये पूजा का कुछ करना पड़ेगा, बहुत छुट्टी मारती है। मैं पूजा बोल रही हूँ, क्या हुआ आवाज अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करना बातें, वो और भी अच्छी लगी मेरे इमरान हाशमी। We'll be right back.
Bye, love you. थक गया? हाँ, वो वाह भैया वाह, कस्टमर का 3000 का बिल बना दिया, बहुत अद्भुत कला है भैया तुम्हारे अंदर। बस घमंड नहीं है यार, तुम लड़कियों की कमाल आवाज निकाल लेते हो। है? कैसे करते हो? हो जाता है सर। जे क्या है? एडवांस। तुम्हारी जॉब पक्की पूजा बेबी। हमारी जॉब सर पूजा बेबी। हम सर थैंक यू सर, सर घर के सारे लोन उतर जाएंगे सर। पढ़ तो ले सर, 15-17 साल पढ़ लिया, कुछ काम ना आया, अब सिर्फ लिखूंगा सर। भैया पान कम खाया करो। कल से काम पे आ जाना। आ जाएंगे सर। कितनी अच्छी हिदायत दे गया तुम्हें। मुंह बंद कर। क्या ची? अबे तू अंदर आना, अबे जल्दी आना। साले कल रामलीला में क्यों ना आओ? भाई ड्राई डे था ना आज, कल रात इतनी बिकी भाई, अपनी बोतलें देनी पड़ी, दूध पी के सोया था भाई। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डिलीवरी बंद है, दुकान से ले जाके। हाँ भी क्या स्पीड है? क्या चीज? क्या हुआ अंकल? चल चल निकाल। ड्राई डे वाले दिन दारू मांगते हो, शर्म नहीं आती? कितनी बारी कही है ड्राई डे के दिन दुकान ना खोला करे, तुझे समझ कोई ना आए? फाइन निकाल फाइन। दुकान तो बंद है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड क्या कर रही है यहाँ पे? मजबूरी अंकल, उसके घर जा नहीं सकते, मेरे घर गद्दा नहीं, बताओ क्या करूँ, प्लीज समझो ना। जानू कौन है? पुलिस बेबी। हाँ, होटल में रेट पड़ती थी, यहाँ भी बढ़ गए। एक तो मेरे ब्लाउज का हुक नहीं बंद हो रहा। हाँ मैं बंद करता हूँ। देखा सर देखा? अरे कुछ ना दिखा है। अच्छा एक काम कर, तू गद्दा वद्दा क्यों नहीं खरीद लेता है? मैं खरीद लूंगा दिवाली पे। खरीद लियो। चल चल चलो रे। अरे खुली नहीं चाहिए भाई, तेरी बात ने फिर बचा लिया। भाई मैंने बचा रहे हो यार, कौन बड़ा मूड में लग रहे हैं? भाई की नौकरी लगी है फरीदाबाद में। ड्राई डे वाले दिन ना झूठ नहीं बोलते, न शेडी की बद्दुआ लगेगी, मत क्या करे से? जे देख 25,000 एडवांस। क्या बात है, यहां तक भी आज तेरा भाई बुलाएगा। अरे अंकल आ गए आप? एक दिन बाहर का चलो गाओ, तू इतने पाप की दुकान खोल के बैठ गयो। अरे अंकल बस एंजॉय कर रहे थे। अरे जे एंजॉय नहीं, अय्याशी। अंकल अय्याशी कर रहे होते तो इस बोतल की जगह किसी रशियन पे लात मारी होती आपने, और एंजॉय तो अंकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई की नौकरी लगी है। रात की तेरी उतरी ना हो ना तो अपने मुंह पे तेजाब छिड़क ले। जे सही बोल रहा बाबा, जॉब लग गई है भाई। सुन लो ये देखो 25,000 एडवांस, आशीर्वाद दियो। राधे राधे जी तेरा। राधे राधे। 25,000 एडवांस? इतना एडवांस कौन सी कंपनी में मिला था यार? ये 2500 कमाने वाले को 25,000 दे दो ना, ऐसे बौखला जाता है। अरे तू चुप है जा। अच्छा ना, कौन सी कंपनी में? कॉल सेंटर। कॉलगेट कंपनी में लग गई। राधे राधे बाबा, बहुत अच्छा होगा भैया, हम आओ लोन भी उतर जाओगे और मंजन फ्री। लाइफ में दो ही प्रॉब्लम तुम्हारी बाबा। क्या बेटा? एक लोन एक अलोन। एक में तुम्हारा इंटरेस्ट घटानो है, एक में बढ़ानो है। अच्छी लड़की देखे शादी करा दे तुम्हारी। पागल हो रहा है? अब जो तुम्हारी उम्र है शादी कराए। उम्र ही कहाँ है, सरकारी छुट्टियां निकाल दो, 26 के लगोगे। ओ भाई पापा से ना प्यार करते हैं, गुमराह नहीं करते। क्यों अंकल सही कह रहा हूँ? अरे तू चुप है जा। लव यू। हाँ बेटा जाके देख क्या ठाकुर के घर पे आए होगा। अंकल जी चाय वाय का सीन है कोई? अरे तू चुप है जा, हरामखोर। वो गिलती बुला दई। जेरो सामान 2250। बटुआ घर पे भूल गयो, पेटीएम कर दियो। पेटीएम कैसे होता है? बड़े बोले हो भाई, मार्केट में 2000 का नोट आया पता है? इतने ही बोले नियम। हेलो, हाँ आ रहे आ रहे। कपूर डाल दिया जे लो 20 रुपया। कपूर तो सस्तो, हर कपूर इन भी नहीं होता भाई। 2270 टोटल।
सामान बहुत ज्यादा है, घर पहुंचाने में सहायता कर दियो, पैसे वहीं ले लियो। भैया दादाजी, धीरे धीरे तो सामान देने आए बे। अच्छा जी, चलिए। दीपक, जे पैसे ले। अरे हरी, जामे मिर्च ना है और दाल थोड़ी। छे भगवान से दो दिन छुट्टी को है। जटक उराई ना, जानते हो? नहीं, उनके पति खर्च हो गए, जानती है? हाँ जानती है, पर ठाकुर जी की उम्र 95 है गई थी। जे हमारे ज्यादा रोना धोना नहीं कर रही। मैं क्यों ना जाऊं? मैं नहीं मानती। तुम रहने दियो बुआ। दादी जी का बोल रही है बुआ? मैं जा रही हूँ घाटे में, बता रही हूँ आपको। मैं नहीं सुन रही कुछ, मैं आ रही हूँ नीचे। अरे माही बिटिया, अरे रुको। नाम क्या है जी? महिंदर। लड़की के हिसाब से ज्यादा मर्दाना नाम ना है। नहीं, हमारा नाम महिंदर है, बाको नाम तो माही है। माही शादी हो गई? जी नहीं, बाल ब्रह्मचारी। लड़की बाल ब्रह्मचारी है? लड़की नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, वो तो कॉलेज में है। पेटीएम का तुझे पता नहीं, हर औरत का हिसाब रखता है तू। जी वो तो इसलिए कि जी हमारी दादी है और वो हमारी छोटी बहन माही। पैसे? हाँ दीपक का रहेगा, एक मिनट। हाँ क्या जे का बात है? हमेशा दादाजी मेरे साथ रहे, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर जगह मुझे छोड़ने आए, तो आज उनकी अंतिम यात्रा मैं उनके साथ घाट तक क्यों ना जाऊं? ये बात ठीक ना है बेटी, औरतें हमेशा मर्दों के पीछे ही रही हैं, और यही मैं उनकी भलाई है। जी का बात बोलती पूनम चाची, जे गोकुल है या राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है और सीता का राम से पहले। औरतें हमेशा मर्द से आगे रही, इतिहास गवाह। आप कौन? अरे हमारी छोड़िए, कंटिन्यू कीजिए, बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। जाओ दादी को साथ लेके जाओ, ये भी तो औरत है। दादी को कुछ हो गया कल, भगवान ना करे, लेकिन करेगा जरूर। ये आंगन में गाड़ दोगे क्या उन्हें? इस हुक्के के नीचे घाट ना जाएंगी ये? क्यों दादी? तू को है रे, वहां इतनी जल्दी मार रहे हो है? करमवीर, गोकुल मंदिर के सामने मकान नंबर 865/1। चाची घाट जरूर जाना, हर औरत मटकी में जाती अच्छी नहीं लगती। पैसे दे दो हम आए। हाँ जे लो, हाँ। पूरे हैं। हाँ। राधे राधे, राधे। आज तुम्हारी मम्मी होती तो कितनी खुश होती कि बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। जे जे देखो, जे तो हमें मालूम नहीं है। अरे ये तो ड्रीम गर्ल है हमारी मम्मी जी हैं। मम्मी की जय जय कर लो। हाँ मम्मी बहुत खुश होती है आज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वरना आज के लौंडे करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। साले रामखोर। पापा लेट हो रहे हैं। अच्छा बेटा, बट सुन, एक बात बताओ, ये नाइट ड्यूटी क्यों? जब रात भर कोलगेट बनाएंगे तभी तो लोग सुबह उठ के मंजन कर पाएंगे। ये नहीं मैं सोची हमने। तेरे सगुर के 101। आज पहली रात है पूजा बीवी, ऑल द बेस्ट। जो भी कॉल आएगा ना वो ट्रांसफर करेगी, ठीक है? राधे राधे। हेलो, वो फोन लग गया। मैं पूजा बोल रही हूँ, आप कौन? हाँ देव बोल रहा हूँ। पूजा बीवी आ रही हो क्या? हम तीन लोग हैं। तूने अपनी बाप की आरती को कंधा देना चौथा बुला के, फोन रख। वो क्या कर रहा है? कस्टमर के ऊपर चिल्ला क्यों रहा है? कस्टमर भगवान होता है, भगवान। कौन सा भगवान रात को 2 बजे लड़की बुलाता है? उनका बिल बढ़ाना है, अपना बीपी नहीं, समझी? समझ गया। हेलो तुसी पूजा जी बोल रहे हो? हाँ जी, तुम्हारी अपनी पूजा, तुसी कौन बोल रहे हो? मैं गुरभजन सिंह बोल रहा जी। गुरबू, तुसी चंगी हो ना जी? हाँ नंगी। हाँ नंगी नहीं जी,
चंगी चंगी। हाँ जी मैं चंगी हूँ। हेलो पूजा जी बोल रहे हैं क्या? क्या सही पकड़ा आपने? आप जीत चुके मेरी स्मूचे। मेरी ना गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन लेते हो? ऐसा बहुत है मेरे पास, पर मेरी शादी नहीं हो रही है। उम्र कितनी है? स्वीट 70। अब तुम शादी मत करो, बस करो और हरिद्वार निकलो। हाँ जी, कौन बोलत रही? हम तुहार पूजा बोलत रही। अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत ही मीठी है। थैंक यू। मुझे ना तुमसे बात करके तुम्हारे साथ वो करने का मन करता है। वो क्या? अरे वही। अबे जिसे तू ताजमहल समझ रहा है ना, वो भी कुतुब मीनार है, समझा? तू फोन रख। अच्छा। हाय, मैं पूजा बोल रही हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ, पूजा बोल रही हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे तू पूजा ना है, पूजा ने फोन दे। ये रखी है। अरे तने किस तरीयो पता? इधर तक स्मेल आ रही है। अच्छा, बड़ी स्मार्ट है छोरी। है? चल कोई नहीं, आज से तेरे से मजे ले लेंगे। अरे रुक रुक रुक। अरे यार मम्मी क्यों बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हो? बिजी हूँ। इप एक और बार फोन किया ना तो फोन ऑफ कर दूंगा। हाँ। हेलो। मुझसे भी कोई इम्पोर्टेंट है लाइफ में? अरे कोई नहीं, मम्मी का फोन था, यू भी मतलब डिस्टर्ब करती रहती है। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अरे कोई जरूरी काम ना है उसने, सारी मम्मी ऐसी होती है, तेरी मम्मी भी ऐसी होगी। देख मेरी माँ ना है, जैसे मेरे से बात कर रहा है ना, उतने प्यार से अपनी माँ से भी क्या करो। मम्मी की आवाज तेरी तरीयों मीठी ना है ना, क्या करूं? पागल हो तुम? हाँ, पागल तो हूँ। चल फोन रखो। ओके, इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। अच्छा, नॉटी गर्ल है? भाई आज लाइफ तो फ्लिप हो गई होगी है? कैसी थी फर्स्ट नाइट? साले सुहाग रात पे नहीं गया था, ड्यूटी पे गया था। अबे जिस तरह की तेरी जॉब है, मूड तो वैसे ही होगा ना, हैं? उस तरह के कॉल नहीं आए होंगे। अबे साले 10-12 हराम खोरों के तो आए थे, लेकिन उसके बाद जो कॉल आया ना भाई, मैं हैरान है वो। दुनिया में लोग बहुत ही अकेले हैं, दोस्त ना है किसी का लाइफ में, और कुछ लोग तो इतने अकेले हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ उनका अकेलापन ही है। करेक्ट है भाई, पर ये साले ठुल्ले भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। इतनी रात में सैर सपाटा, पर कहाँ से आ रहे हो बंटी बबलू? जॉब से आ रहे हैं। पी रखी है? नहीं तो? अरे हमने पी रखी है, चौक तक छोड़ दियो। ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है सर। तो गुरप्रीत जी, और ठीक बैठो आप? हर सरदार का नाम गुरप्रीत हरप्रीत नहीं होता, स्माइली नाम है मेरा। आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आगे टायर पे बैठ जाओ। मैं ना जी टायर पे क्यों बैठोगे जी, थोड़ी देर की बात है, चौक पे उतर जाएंगे। हैं जी? भाई जवाहर, तब तक तू एक जायरी सुन। वाह 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 वाह। के जी, जाने वाले को किसने रोका, प्यार में दर्द तकलीफ और धोखा है। लाइफ की DTC में धक्का मुक्की है, अब बावड़े उतर जाए, यहीं अभी मौका है। उतार दे भाई, मन्ना यही उतार दे। आपका अभी चौक तो आया नहीं। अरे दारू के चक्कर में भूल ही गया, मेरा घर तो नवेडा की तरफ है। रे तभी मैं कहूँ रोक भाई रोक। तू पीछे हम होए दे। रे जवाहर बेटा, टाइम पे मत आ जाइयो कल। पहले पहुंच तो जाऊं। बस बस बस, बहुत बढ़िया शायरी है आपकी, दर्द बहुत है उसके अंदर। बेटा जब शादी हो जाना तो बीवी का दर्द शायरी बन के फूटता। इसी बात पे एक और। नहीं नहीं अजी, जल्दी में थोड़ा सा। अरे तो वाह भाई कर दे, शायरी तो तुझे पता मारी। वाह 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 वाह। अच्छा जी, तेरी तलाश में हम कहां कहां से गुजरे। रे इतनी रात में हाथ देखूंगा तेरा मैं? तेरे हाथ ना ऊपर की कमाई। रे बावड़ी और शायर के हाथ हैं, शायरी करते हैं, गलत काम नहीं करते।
नई शायरी सुनती हूँ। चुप करो तुम। तुम्हेशे एक हाथ है तुम्हारे दो कौड़ी की घटिया शायरी से जिंदगी ना सुधरने वाली। सामने वाले कांस्टेबल ने सेकंड हैंड घूमनी ले ली और तुम लिफ्ट लेके चले आते हो। फिर भी क्या हो तुम है? कभी देखा था ना मुझे पीते हुए? अच्छा बच्चे सो गए दोनों? दोनों? अरे एक ही बच्चा है मारा। फिर तो पी के आया हूंगा। चल गरम कर के। रे खाना गरम कर दे बाबू। तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे? हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पी क्यों? मैं खाना गरम करूं? मतलब तू के चावे दारू भी तू ही पिएगी? चुप कर। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुमसे शादी करके। खाने में सफेद बाल। भाई जब सफेद बाल वाला आदमी बनाएगा तो सफेद बाल ही निकलेंगे ना। पता नहीं खाने में काला बाल कब नसीब होगा। काले बालों से याद आओ शादी की लड़की देखी है। अच्छा नहीं नहीं बेटा तो कितनी बार कही मैं नहीं करूंगा शादी। अंकल अपने लिए देखी है। अच्छा बेटा कौन है कहाँ के परिवार? गिन के टोटल तीन ही लोग हैं पापा। सबसे पुरानी दादी, पुरानी दिल्ली से भी 6 दिन पुरानी। इतनी पुरानी? दूसरा है महिंदर, अखंड ब्रह्मचारी बैचलर। उसकी लाइफ में गीता, सुनीता, बबीता, कविता, ललिता जैसी 25 छोरी गाय भैंस। और तीसरी है आपकी बहू माही। उफ सुंदर, सुशील, 5'4" एमएम हुसैन कर रही है। खाना इतना बढ़िया बनाती ना, तुम्हें बना के खवाएगी। चलो अब तो अच्छा खाना मिलेगा। जब बुरा है पीछे रख दे। नहीं अच्छा है खा तो रहा हूँ। हाँ बेटा और बताओ। अपने हवेली वाले ठाकुर जी है ना, उन्हीं की फैमिली है। अरे भाई तो बहुत बड़े लोग हैं। हम कौन सा भूखे मर रहे हैं। और क्या अंकल आप परांठे लेके आओ ना। आटा तो खत्म हो गया बेटा। बेबी 23 का तुम्हारा बर्थडे है राइट? मेरी तरफ से तुम्हें डायमंड रिंग। कमीने। बाय बेबी। बाय। आई विल मिस यू। बाय। सी यू। कमीने। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। क्या हेलो? क्या है? हाँ? कब होगा काम? जी वो मैं। बेबी। अरे तुम? कैन आई हैव सम कैश? यस श्योर। कैश? कमीने। अभी तो तू इसे लिफ्ट में डायमंड रिंग देने की बात कर रहा था। वो रिंग भी इसे इसी के पैसों से दिलाने वाला है क्या? ये गया। क्यों? भाई तू अभी ऑफिस में नया है, इसके 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और इसको मर्दों पर विश्वास ही नहीं रहा। ये सब ना एक नंबर के लीच होते हैं। अरे नहीं नहीं मैम। अब क्यों? प्यार के बदले धोखा ही देना आता है ना तुम लोगों को। वो धोखा हमें क्यों नौकरी पे रखा है? ताकि हमें रोज गाली दे सके। कैश कैरी नहीं करता मैं, ओनली कार्ड्स। अच्छा बेटा कार्ड्स हैं? ये 4 विजिटिंग कार्ड्स और ये चिल्लर। और ये मैगजीन चलाते चलाते पैसा तो बहुत बना लिया, इंग्लिश भी सीख ली, मगर क्लास बिल्कुल 0। तू अपना फोन दिखा मुझे। दीदी क्या कर रही हो? दीदी क्या बोल रहा है? मेरे बच्चों का मामा लगता है तू? मामा तो नहीं हूँ। तो फिर कमीने। और ये सब कौन है? बहने होंगी तेरी? क्यों इन्हें भी डायमंड रिंग लेके देने वाला था क्या? Oh, baby, I can explain. तुम क्या एक्सप्लेन करोगे जतिन? कौन है ये सब? But baby, I love you. Just shut up. I don't want to see your face. Get out from here. Baby, I love you. Hey. I said get out. सुना ना? चल. Get out. उंगली क्या दिखा रहा है बे? बट. और तुम लोग सब खड़े होके क्या देख रहे हो? तमाशा चल रहा है क्या? राजपाल। राय राजपाल। हाँ जी सर। राजपाल जी। हाँ जी। के है यो? रजिस्टर है जी। वो तो मरने भी पता है मामा। यो पढ़िए जरा, पढ़िए पढ़िए। फरीदाबाद निवासी सुनील भारद्वाज पुत्र श्री हरिओम भारद्वाज की बुलेट दिनांक 25 तारीख को 76 चौक से गायब होके दिल तूने कुछ ऐसा कर डाला, ना जी रहा हूं ना मर रहा हूं, यो क्या हो गया साला? सर यो शायरी में FRI पे लिया हुई। कोई नहीं, तूने फिर से FIR रजिस्टर में शायरी पे ली। मैंने नहीं, कितनी बार
बार मने करी, कितनी बार मने करी है कि अपने गालिब को ना अपनी थाने के बाहर रख के आया कर, नहीं तो बिना एफआईआर के अंदर कर देना है। शाम को इधर दो ताजा लाइन में। वाह 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 वाह, ठीक कर इसे। साले कानून ने छेड़ रहा, निकाल के बाहर कर दूंगा, भूखा मर जाएगा। छेड़ ना रहा हूं ताऊ, सुबह से देख रहा हूं थारी शायरी कोई ना सुन रहा। तू सुनेगा? सुनूंगा तो मैं भी ना, लेकिन हेल्प कर सकता हूँ। लाओ फोन दो। फोन का क्या करेगा? दो तो योगे स्पेशल नंबर है ये थारी सुनेगी भी और सुनाएगी भी। अच्छा जी, चाय पिएगा? दारू कराना। साले उंगली के पकड़ा ही कंधे पे चढ़ के मूत्रा, चाय भी कैंसिल। रे ताऊ, ताऊ, रे ताऊ सुनो तो। हम भी तो देखें किसका नंबर है वो। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा? मैं पूजा बोल रही हूँ। कितना सुंदर नाम जी आपका, और आवाज कितनी मीठी है आपकी। मारा छोड़िए तो अपनी बताओ। और ऊपर से हरियाणवी, कहाँ से, रोहतक से हो क्या? नहीं, पानीपत। पानीपत, वाह जी वाह। क्या करते हो जी? मैं शायर हूँ जी। शायर नहीं, शायर। दोनों अलग अलग होते हैं क्या जी? तो जी फिर जो आपने बोला वही कुछ सुनाइए ना। सुनेंगी आप? सच्ची? स्मूची। अजीब, अभी मैंने शाम को लिखी थी दादी दादी। मेरा दर्द करता रोज शाम से। हाँ। कि दिल कहता है उनसे मिल, दिल कहता है उनसे मिल, और दिमाग कहता है कि ड्यूटी पे हूँ। वाह वाह, अच्छा, टू गुड, बहुत आला। थैंक यू जी। वैसे आप बोला ना मारे तो मैं भी कुछ फरमाऊं। आप भी शायर हो? कभी कभी लिख लेती हूँ। वाह जी वाह, इरशाद? इरशाद नहीं, इरशाद। यो भी अलग अलग होते हैं क्या? Obviously। तो जी जो आपने बोला वही। गौर फरमाइए। जी बताइए। दिल कहता है उनसे मिल। हाँ। दिल कहता है उनसे मिल। हाँ। दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल। हाय 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 हाय, अरे हाय हाय क्या कर रहा है? नहीं मिल रही तेरी बुलेट जी, इसकी बुलेट नहीं मिलके तेरी तंग कर रहा, बार बार फोन कर रहा। और दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल। बिजली आतना है, बिल आ जाता है, जल्दी कर दियो। अरे भैया वेबसाइट स्लो है जी, कॉलेज के पास ही तो है, मैं भर दूंगी। हाँ जी ओके, ठीक है, बाय। अरे भाई बिल तो भर जा भाई, क्या कर रहा है, लास्ट डेट है आज। हमें तो लग रहा है मैं फर्स्ट डेट हूं भाई। अच्छा, मकान नंबर 865/1 गोकुल मंदिर के पास। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम और तुम्हारा सरदार दोस्त मेरा पीछा कर रहे हैं, कभी घर कभी रेस्टोरेंट। हेलो, गलत समय मत रहो आप, तो मैं पीछा कर रहा हूँ। वैसे एक लड़का एक लड़की के पीछे हद से ज्यादा ध्यान दे तो उसका मतलब समझती हैं आप? हाँ, लड़का हद से ज्यादा खाली है। हो सकता है काम धंधे वाला बिजी बंदा हो और ये स्पेशल वन के लिए खाली कर रखा हो। काफी इलायची चाय, कड़क काफी इलायची चाय, चाय देना। चल रहा है, खत्म हो गई। कड़क काफी इलायची चाय। आप चाय कॉफी तो पियेंगे ना? बिल्कुल नहीं, ऐसे वेस्ट कराई जा रहा है। अगर चाय मांग रहे थे आप? नहीं चाहिए। अरे ले लो ना। अरे नहीं चाहिए, थोड़े कम दे देना। नहीं चाहिए। बस एक बात कहें, जिंदगी में पहली बार इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं भी एक बात कहूं, तुम बोलते बहुत हो लेकिन अच्छा बोलते हो। रोज दे रोज दे रोज दे रोज दे रोज दे रोज दे रोज देना रोज दे रोज दे जी। क्या दोस्ती है? आ लेके दो।
आना अपना बिल दे दीजिए बिल। वैसे जो आपने समझा वो भी करेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए, 865 पड़ा एक। पहले कनेक्शन तो एक हो जाए। मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं गजब हो गया। मोहतबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। फोन पूजा को दो, बोलो रोमा का कॉल है। I promise तुम्हें इस पूजा से बात करके बहुत अच्छा लगेगा। Hey, don't play smart with me, okay? पहली बार कॉल नहीं कर रही हूँ मैं। क्या है? चल। तू जानती नहीं है कौन बोल रही हूँ मैं। बाहर शोर, अंदर खामोशी, यही हो ना तुम? वाह, बातें बहुत सही घुमा लेती हो। तुके में ही सही। You've hit the right spot। लगता है दिल और ट्रस्ट कई बार टूटा है तुम्हारा। Yeah, long story। तीन लड़कों ने दिल तोड़ा है मेरा। एक साथ तीन लड़कों के साथ करती क्यों हो? Hey, not like that. अलग अलग टाइम पे। Trust me, मैं experience से बता रही हूँ, all men are dogs. In fact, मेरा बस चले ना, तो इन सबको नंगा करके इन पे बुलडोजर चला दूँ मैं। हाँ, बुलडोजर चला दो, पर नंगा करने की क्या जरूरत है? सब लड़के ना एक नंबर के होते हैं। हर लड़का ऐसा नहीं होता है दीदी। Hey, don't call me दीदी। I don't look like दीदी। देखो, ट्रस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, धोखा लड़कियां भी दे सकती हैं। ओके, नॉट रियली, लड़कियां होती हैं यार, सेंसिटिव, सेंसिबल, एक दूसरे को समझने वाली, यू नो, तुम्हारे मेरे जैसी। आज बहुत टाइम बाद किसी से बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। इनफैक्ट तुम और तुम्हारी आवाज दोनों ही उस पूजा से अच्छी हैं। मेरे लिए आज से तुम ही पूजा हो। रिंग हो रही है।
हेलो और सुनाओ जी पूजा जी कैसी हो? बढ़िया, आप बताइए, कुछ लिखा नहीं आपने? हाँ जी बिल्कुल, ताजा तरीन कल ही लिखा कि जी कैद में है जिंदगी, रे आजाद हो जा, मोहब्बत में चल 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 बर्बाद हो जा, और तेरी सहद सी आवाज को कानों से चख लू, तुम्हारे इश्क का मीठा स्वाद हो जा। आए, मर गई, हम ज्यादा ही गिर गए। इतना अच्छा लगता है, तलफ्फुज़ पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? और बाकी भी तो काम होते हैं इश्क के अलावा, उनके बारे में लिखिए ना। जी बिल्कुल, मैं मेरी पूजा की बात कैसे डाल सकती? देखो जी, आप सिर्फ मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो, सिर्फ मेरी पूजा। ठरकी सर, मेरी पूजा, मेरी पूजा, पीछे ही पड़ गए। कल से कॉल सेंटर आने की जरूरत नहीं है सर, मैं यही सोच रहा, थैंक यू सर, था वैसे भी लोन ऑलमोस्ट उतर गया है। ये गाड़ी की चाबी है, बाहर खड़ी है, पार्क कर दो, ठीक से लगा देना। पूजा डार्लिंग, नए ऑफिस की बधाई। सर ये क्या है? अरे हम कॉल सेंटर छोड़ने के लिए थोड़े कह रहे थे। तो आज से ये कार ही तुम्हारा ऑफिस है। हाँ, अब पूजा के चाहने वालों के लिए पूजा 24/7 अवेलेबल। कैसे? डब्बा खोल। स्मार्ट वॉच। कार भी हमारी। थैंक यू सर, वैसे कार की औकात थी नहीं हमारी। अब जाएगा भी ये चाबी लूं। जा। कुंज बिहारी मोहन मुरारे। ये गाड़ी हमारे घर के सामने किन्ने लगा दी? ऐसो हम तुम्हारी है का? ना सर, हमारी ना है। तुम्हारी तो हो ही नहीं सकती। अब भैया किसकी गाड़ी है? ए बाबा, आप ही गाड़ी है? हाँ, अपनी गाड़ी जी। बेटा तुमने भी लोन ले लो, ये कंपनी ने गिफ्ट करी पापा। राधे राधे, राधे राधे। ए पूजा, गलत जगह पॉज लेके डराया ना करो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या? अब बेटा पूजा तो करनी है। करूंगी पूजा, इते आओ, बैठो, इते आओ। अच्छा अच्छा, ऐसे साइड कुर्ता अंदर का। कैद में है जिंदगी, आजाद हो जा, मोहब्बत में चल बर्बाद हो जा, तेरे शहद सी आवाज को कानों से चख लूं, तो मेरे इश्क का मीठा स्वाद हो जा। क्या बात है, किसने लिखी? मैंने नहीं लिखी। हमारा दोस्त है, शायरी करता है। अच्छी है ना? अच्छी है। उठा लो, छोड़ो, अच्छी डाइव चल रही है। उठा लो, जरूरी हो सकता है। हेलो पूजा। भाई साहब रॉन्ग नंबर। पूजा डार्लिंग, मैं राहुल बोल रहा हूँ। यहाँ कोई पूजा नहीं है, बोला ना रॉन्ग नंबर। हर बार मेरी इसी नंबर पे बात होती है। आप अबे रख फोन। पता नहीं किस पूजा के नाम पे फोन आते रहते हैं। राधे राधे, नमस्ते। नई गाड़ी ले ली? बस हेलो, आप पूजा जी बोल रहे हैं ना? पूजा को फोन किया तो डायना पेंटी तो बोलेगी नहीं। पेंटी? डायना पे ध्यान नहीं गया तेरा, कुत्ते। कुत्ते तो क्या बोल रहे हैं आप पूजा जी। हेलो पूजा जी, दीपक साइड पे हो जाओ। अरे जाइए ना भैया जी, इतना जगह है। सुनके लगता है तुम काफी हैंडसम हो, मिलना चाहते हो? हमारी बनारस वाली अम्मा है। बनारस वाली अम्मा, हर शहर में कम्मा है का? सुनाओ तो कोई, सुनाओ। क्या हुआ किशोर, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? इतनी मीठी आवाज अम्मा, कौन अम्मा बोल रही है? अम्मा पूजा,
लोग हमें प्यार से पूजा बोलते हैं, आपको मैं प्यार से क्या कहूँ जी? प्यार से कुछ भी महिंदा रवि, रवि ना महिंदा। वाह क्या जोड़ी है, किशोर और रफी। कुछ गा दीजिए ना रफी साहब। जी नहीं मैं गाता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, रफी नाम और ना गाए आप? इम्पॉसिबल। भैया मक्खन की तरह गाते हैं। अब गा दीजिए ना, क्यों इतना भाव खा रहे हैं? कौन सा गाऊं? मधुबन में राधिका नाचे रे। जे कौन सा गाना है? पूछ तो ऐसे रहते जैसे सारे गाने कंटेस्ट हो। गा दो कुछ भी। वाह कितनी अलग आवाज है आपकी, क्या लाभ लिया है? नहीं नहीं सुना दीजिए ना जानू। अब गा रहे हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। बुरा ना माने तो आप भी गाओ। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। नहीं कुछ नहीं। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लल्ला है तैयार, हो जल्दी से लेके आ जाए कड़ाई मड़ गिरे। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग रा रिंग। ओहो कहां से गा लेती हो तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love, तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और इस बार तू आ रही है? मैं नहीं आ पाऊंगी, I'll see you next time, I promise। सामने आके सुन ले जो शेर लिखे तुझ पे, नहीं ऐसा वैसा शायर हूँ गालिब का बच्चा। गालिब नहीं गालिब, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ। अच्छा जी दरवाजा किसने खोल दिया, पकड़ो बैंड का। तेरी जो कलाई मेरे हाथ लग जे, बल्ब मुकद्दरों का मेरे जग जे, कहने लगे है मेरे सपने यही, कभी मिल जा तू आके। मैं मांगू तेरा हाथ, मुझे रहना तेरे साथ, हो रानी मैं तेरी मेरे दिल का तू ही की। बेटा कोई लड़की बात कर रही है? पापा कितनी बार कही कोई जिंदा औरत देख के शादी कर लो। अरे तू भी तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, सजना दिल का टेलीफोन है बजता रिंग। Happy birthday, Toto. कैसे हो? ठीक ना हूँ, इब तक केक ना काटा। कितनी बार बोल दिया मिल मिल मिल, मत मिल तू मुझे, मत मिल तू, तू मैंने घुमा रही है क्या?
जिद मत करो टोटो, मैं तुमसे कितनी बार कहा तुमसे नहीं मिल सकती, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा, उसके बाद तुम मेरे साथ ही रही हो ना, शादी कर लूंगा मैं तेरे से। तुम बहुत छोटे हो। अरे तू शादी तो कर, बड़ा हो जाऊंगा, तू बोल कब मिलेगी? कम ऑन, मैं नहीं मिल सकती। मिलना तो तने पड़ेगा ये पूजा, वरना तू देख मैं क्या करूं। तुमने जो करना है कर लो। साड़ी फोन काटती है, तू देख मैं क्या करूं। अरे जोहर, अरे पहुंच गया तू? कद का अब निकल ही रहा हूं मैं, बस सवारी का इंतजार कर रहा हूं, वेट कर। हाँ आ लिया। अरे तू, अरे अपना ही आदमी है, मतलब हमारी चौपल सवारी से तू इतना परेशान होगा कि हमें लिपट देने के लिए तूने कार ही खरीद ली है जी? बधाई हो भाई। शुक्रिया, आगे छोड़ दे थोड़ा। बस तुझे देख के अच्छा लगता, याद दिलाता तू किसी की। शादी होगी तेरी? नहीं सर, अभी बस एंगेजमेंट हुई है। आपकी होगी? माथा देख, शादीशुदा औरत के माथे पे सिंदूर होता और मर्द के माथे पे सिकन। सिकन नहीं सर, शिकन। ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? चलो फिर वही। सर शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार करो। ओए होए होए होए, रख के कांटे की बात कह दी तने भाई, इसी बात पे शेर सुन के दिल कहता है उनसे मिल, ये कहता दिल, दिल कहता है उनसे मिल, मिल, और दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल। कैसा? ये ले, यू आ गया सिकन का फोन। अरे कहाँ हो तुम? लेट हो जाएगा मन्ने। देख तू बार बार फोन मत ना किया कर मुझे। इतनी बुरी लग रही हूँ मैं तो, तलाक क्यों नहीं देते मन्ने? हाँ हाँ तो मैं भी दे दूंगा तलाक, मुझे भी मिल गई है कोई। अरे जिसने मारी सारी सुधारी है वही मारी लाइफ भी सुधारेगी। एक बात तो भाई मैंने जान लिया आज कि शादी उसी से करो जिससे प्यार करो। क्यों भाई? मैं भी अपनी पूजा से शादी करूंगा। अब तू फोन रख रही है कि मैं रख दूं? भाड़ में जाओ तुम। अरे भाई साइड में ले ले, हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल? अरे यो आजकल के छोरे प्यार करना नहीं जानते, लौंडिया ने मना कर दी मिलने से, नस काट ली बावड़े। बताओ भाई, बस ये गेट पे। वाह 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 वाणी, ये नाम बता लौंडे का? टोटू। टोटू? सर पे शादी है, एक नस काट ली, एक औरत छोड़ के भाग रहो, और एक खुद ही औरत है। लड़का लड़की सभी मेरे पीछे पड़े, समझ ना आ रो, दुल्हा बनू दुल्हन। एक बात बोलूं, ऐसे लहंगे में भी कहर लगेगा तू? बहन के फोड़े, मजाक का मूड ना है, जॉब छोड़ रहा हूं मैं। तो छोड़ देना, लेकिन भाभी जी को बताने की क्या जरूरत है? माही बहुत ही अच्छी लड़की है, हर रिश्ते का ना बेस ट्रस्ट होता है। दिल टूटे को फूटे को पर ट्रस्ट ना तोड़ सकूं उसका मैं। क्या बात है, मतलब क्या बात है भाई, आज तक का ना मेरी लाइफ का हीरो कुकी ढिल्लो था। जे को झंडू है, पापा है मेरे, आज से तू भी होगा। को पापा? पे हीरो यार भाई, जाके सबको कह दे हर मुसीबत में स्माइली तेरे साथ खड़ा है। जॉब छोड़ दे पे, बोल दे कॉल सेंटर के मालिक को। हेलो डब्ल्यू जी, अभी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। महिंदर जी, मेरे महिंदर जी, आज मौसम बड़ा बेमान है करम जी। अरे वो सब छोड़, माई का है, ऊपर होगी। जी जी जी, एक बात पूछनी। अरे यार पूछ। आप तो जानते हो कि हमारी जिंदगी में माही और दादी के अलावा कोई और औरत ना है। इसको पूछा नहीं बताना बोलते हैं बे। हाँ वो पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अगर किसी महिला मित्र को, मतलब
है ना, मतलब अगर दिल की बात बोलनी तो कैसे बोलेंगे? किस वैसे में दिल आ गया तुम्हारा? ऐसे भी ना है, बताओ ना। उससे पूछना कि अपना सिंगल बेड हटा के डबल बेड लगवा ले, अगर हाँ बोले तो बात तो, ना बोले तो सिंगल बेड खींच लो उसे। सिंगल बेड पे खींच लो उसे। जिस साले कस्टमर कहीं फोन कर दे। हे, हेलो, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, रफी। गाना नहीं सुनना हमने आज? नहीं नहीं, आज गाना नहीं, दिल की बात सुनाएंगे। दिल की? कहो। भैया जी, हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, चाहने लगे आपको। तो मतलब तो सोच रहा था कि अपना सिंगल बेड हटा के डबल बेड लगा लूं। हाँ? हाँ? भैया को क्या हुआ? नाच क्यों रहे? कोई लॉटरी वोटरी लग गई उनकी? लग गई, सच में लग गई। भैया क्या हुआ है? बड़ा टैलेंटेड लड़का है आपका, तरह तरह की आवाजें निकालता है और लड़कियों की आवाज तो बहुत ही अच्छी निकालता है। क्यों, लड़कियां अपनी आवाज सही नहीं निकाल रही क्या? लड़का होके लड़की की आवाज निकालना अच्छी बात थोड़े है। लेकिन आप क्या लग गए इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। अरे जय हो सीता मैया की, आइए आइए। अरे बेटा करम, आपने फोन नहीं उठाया तो हम खुदे चले आए सीता मैया के दर्शन करने के लिए। जग्गी जी, बहुत मन लगाकर काम करता आपका ये कर्म हुआ। तुम्हारा प्रोग्राम लाइव आता है पूरे गोकुल में, देखा मैंने, हमको तो मालूम ही नहीं था। हैं जग्गी जी, हमने सोचा क्यों ना हमारे यहाँ जो काम करता है उसको भी लाइव दिखाते हैं, बहुत फेमस हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, आजकल में ही दिखा दो फौरन। वो बेटा तो चले। नमस्कार। राधे राधे। ओ हेलो, एक मिनट अंदर में यार, थोड़ा काम की बात कर ले दो मिनट। करम भैया, राधे राधे। अरे वाह, तेरी तो बड़ी इज्जत है मोहल्ले में। सुन, अगर तू काम पर नहीं आया तो पूरे गोकुल में तेरे इतने पोस्टर लगवाऊंगा कि लोग इस पूजा की आरती उतारेंगे। मैं अच्छा हूं तो अच्छा हूं, और बुरा हूं तो और भी अच्छा हूं। राधे श्याम। बजाओ भाई, बहुत बढ़िया बजाते हो, बजाओ बजाओ बजाओ। भाई वो बजा के चला गया ना, अब तुम क्यों बजा रहे हो भाई? क्या बोल के गया वो? तूने बोला था ना बजाओ, छोड़ दे। चाय पिला। पी ले। दिन ही बेकार। बहुत ही शुभ दिन है। लो लो भैया, लो लो लो। अरे बजाओ। छोड़ना क्या, तेरी शादी है यार। और देख अंकल कितने खुश हैं। ओ मिट्टी पा यार, एंजॉय कर लाइफ है। अरे अंकल आओ ना। राधे राधे। राधे राधे राधे। बेटा हमने शादी के लिए दो शेरवानी सिलवाई हैं, अब तुम चूज करो कौन सी पहननी है। दोनों ही पहन लो पापा। हाँ जी भी सही है, एक तुम्हारी शादी के लिए और दूसरी। अंकल मेरा मुंडिया शादी। अरे नाश पीटे, तेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो, अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी? हाँ बेटा, हमने तुमसे अभी तक बताया नहीं, हमने तुम्हारे लिए एक माँ सुन ली है। सुनी है? देखी है बोलते अंकल। अरे हमने तो सुनी है ना, और वो तुम्हारे पापा को जिस नाम से पुकारती है वो तो तुमने सुना होगा, राहुल। हेलो पूजा, हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ। वाह, काफी आवाज डिफरेंट है आपकी।
अरे अरे आ भैया आज पहली रात है पूजा देवी। पूजा जी, इतने टाइम से बात कर जाने लगे आप तो मतलब तुम्हारी आवाज सुनी, अब तुमसे मिलना है। पूजा, आई लव यू पूजा, मैं तुम्हारे बिना मेरी ना। पर बेटा तुमने ही तो कही थी कि पापा शादी कर लो। हम ही बोल रहे हैं नहीं हो सकती शादी, मंजूर ना है हमें। बेटा पूजा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तुमने तो गोद में खिलाया उसे, हो सकता है तुम्हें बाप की नजर से देखती हो। देखो बेटा जी, गलत बात है ठीक है, अपना बाप मान के ना मान उसका बात मत कहियो। और तुम ही नहीं कहते कि हम 26 के लगते हैं। मजाक को मजाक में रहने दिया करो, लड़की ने आज के बाद क्या कर ली, 2 मिनट कुछ भी करोगे उसके साथ। नो मीन्स नो। हमारी जैकेट पहन के बैठे हो, बता ना। आ जाओ। माते माते। पुत्र सुबह से कहां थे? माते देखो मैं क्या जीत के लाया। जो भी लाए हो पांचों भाइयों में बांट लो। माँ की आंख की रोशनी चली गई क्या? माँ आप कुंती हैं, गांधारी ना हैं, जो बिना देखे आदेश दे रही हैं। सही कहा आपने। रे उसको छोड़, हमें पकड़। रे जब माने जो आदेश दे दिया क्यों भाई? आज से द्रौपदी हमारी वाइफ अपॉइंट आ गई। सही कहा, माँ की आज्ञा का पालन हो। पालन हो रे, पालन हो। खबरदार किसने हाथ लगाया तो? अरे हाथ लगाने नहीं, दिल लगाने आए हैं। द्रौपदी हमारी होगी। रे मारी होगी। रे मारी होगी, मेरी होगी। कभी तो सुना होता, सोचा होता क्या इच्छा है द्रौपदी की? माँ ने जुआ खेलने से मना किया था, फिर क्यों नहीं सुनी तुमने अपनी माँ की? माँ की बात क्यों सब कुछ हार कर लगा दिया द्रौपदी को दांव पर? द्रौपदी प्लीज। हाँ। अबे ओ करम, जे कर रहा है? एक तो मेरी लाइन डाउन पर मार भी रहा। जे अभी को सीन ना है, ये स्क्रिप्ट में बाद में आएगो। आएगो तो ना, कब तक औरतों को इच्छा के बिना बांटते रहोगे तुम? हम क्या पंजीरी है सालो? महाभारत के टाइम पे मीटू होता सबसे पहले तुम लोग अंदर जाते। बहु द्रौपदी हट बे। अरे करम रुक, मैं ना कर रहा हूँ कुछ। अरे रुक, अरे रुक, मैं ना बन रहा हूँ द्रौपदी। ओ करम, अबे सुन तो यार, यार मैं तेरे साथ पहली बार नाटक कर रहा हूँ, तू रिहर्सल छोड़ के आ गया। मैं ना कर रहा हूँ नाटक। बस बस, अरे तुम लोग यहाँ बाहर, रिहर्सल नहीं चल रही? अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नया सूप बनाया था, सोचा तुम्हें टेस्ट करा दूं। कुछ खाने पीने का मूड ना है आज। इतना बुरा भी नहीं बना है, और क्या हुआ तुम्हारे मूड को? स्माइली की वजह से खराब है। मेरी वजह से? हाँ, भूल गया क्या? हाँ, याद दिला याद दिला। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं। हैं? इसके पीछे? हाँ। बे। हाँ हाँ भाभी, एक तो हैंडसम होने गुना हो गया, प्यार से 2 मिनट बात क्या कर लो, पीछे पड़ जाती है। कहाँ ले जाऊँ मैं अपने हाउस? बस कर, ये एक लड़की से बहुत प्यार करता है। हाँ। जब 3-4 बीच में जो है ना, इनसे कैसे पीछे छुड़वाया जाए। बस सिंपल है, उन लड़कियों से बात करना छोड़ दो। मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब इसने ट्राई नहीं किया होगा, तुम्हें क्या लगता है? मिलने की जिद कर रही है अब। हाँ भाभी, प्यार से बात कर लूँ ना, ये काट दूंगी वो काट दूंगी ऐसी बातें करती है, कहाँ ले जाऊँ मैं अपने। बस कर, क्या करे बेचारा। मुझे नहीं पता, सॉरी, तुम सूप पी के बताओ ना। चाय पी रहा हूँ, नहीं पीना सूप वो प्यार। इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, नहीं पीना मत पियो, प्यार से बात करनी नहीं आती तुम्हें? माही, जो तुम्हें प्यार करता है उससे प्यार से बात नहीं करेगा तो ऐसे ही गुस्सा हो जाएगा, समझा तू?
एक एक से गुस्से से बात करनी है ताकि जिससे तुम प्यार करते हो सिर्फ वही तुम्हारी जिंदगी में रहे। अरे जय हो सीता मैया की। हमको मालूम था कि आप आओगी। जाइए मन लगाकर प्यार से काम कीजिए। जाइए। हाउ आर यू पूजा। मैं तो जवान हूँ, तू अपना सोच बुढ़े। बेटे की उम्र क्यों तेरे? दो शब्दों के बीच में गर्जन सांस लेने वाले। लेकिन इस राहुल की हर सांस में तुम बसती हो पूजा। और देखो जहां तक उम्र का सवाल है तो मर्द के सर के बाल वाइट हो सकते हैं लेकिन दिल के नहीं रानी। दिल दिमाग तन बदन में दूध और गोबर भरा है तेरे। जब अकल बढ़ रही थी तो क्या गागा के भैंस दिल रहा था? गाय भैंसों के लिए बहुत गा ले। सोच रहे हैं किसी महिला मित्र के लिए गाए। गुलाबी आंखें जो तेरी। जाना बनकर मुझे। मर्दों और औरतों में सेम दिल होता है और कभी कभी तो मर्दों में भी औरत जैसा दिल होता है। अरे औरत का ही तो दिल है तुम्हारी इस रूमा के पास। तुम्हें पता है जब मैं प्रॉब्लम में थी ना तब तुमने संभाला था मुझे। ऐसा लग रहा है कि आज तुम किसी प्रॉब्लम में हो। अब मैं संभालूंगी तुम्हें। तेरी माँ तुझे संभाल नहीं पाई। माँ दर दर भटक रही है तेरी। तुझ जैसे आशिकों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। नस काटने का नाटक मत कर। तेरे साथ शादी क्या मैं बर्थडे ना मनाऊं? गुस्से में भी थारी आवाज एकदम प्यारी लागे। रख के बात करते ने टेंशन है हैं? बीमार मैं हूं, तकलीफ तने है। के चाहिए तने तू बोल। बोलना तो तू बंद कर अपनी घटिया शायरी। गजल को गजल, जहाज को जहाज कहने वाले सस्ते गालिब। एक और शेर मारा ना तूने मां कसम कुत्ता छोड़ दोगी तेरे पे। अरे तेरे इश्क ने कुत्ता बना दिया गालिब। और जो यकीन नहीं हो रहा तो भौ भौ अरे भौ भौ क्या कर रहा? नहीं मिल रही तेरी बुलेट। सर पीछे पड़ा हुआ, रोज फोन कर दे। मतलब नफरत के चक्कर में और प्यार बढ़ गया। हाँ बढ़ेगा क्यों नहीं। अपनी पूजा आई थी चाल में। भाई सच बोलूं कई बार मन करता दो पैर लगा के मैं फोन कर दूं। थक दे। मैं समझ ना आया रो क्या करूं। कौन है प्यार? नमस्ते अंकल। क्या हुआ? अबे आज भी तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ है क्या? या वो अभी तक गद्दा नहीं खरीद पाया अंकल, इसलिए गद्दा ले नहीं पाया। कौन से? अबे अंकल आ रहे हैं वो। मेरी बात आप अंदर कहाँ घुस रहे हो? आप सुनो तो सही मेरी बात। साले झूठ बोलता है। अरे कहाँ है तेरी गर्लफ्रेंड? अरे सर जी आजकल छोरा छोरा आपस में। ओ हवलदार क्या बाहर निकलो, अंदर कैसे आ गए? अरे हम जब भी किसी चीज को परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो घर के भीतर घुस के बंद करते हैं, समझे? सर्जिकल स्ट्राइक। लव यू सर। क्या हो गया भाई? सर जी आपकी पप्पी लेने का मन कर रहा है। सर जी मैंने कहा था ना आदमी आदमी आपस में। भाई तू सच में? अरे बंद करो ये सब, चल। क्या गुरु मंत्र दे गया जी आदमी। किसी चीज को परमानेंटली बंद करना हो ना अंदर तो घुसना ही पड़ता। जहां घुसना है घुस जाए यार। सारी उतार दी चढ़ी हुई। अरे रख फोन, नहीं जी एक क्रेडिट कार्ड। कौन भाई? क्या चाहिए? चंद्रकांत चौधरी किराड़ आप ही का नाम है? हाँ क्यों? पूरा का पूरा आप ही का है? नहीं चौधरी किराड़ थारी माँ का है, चंद्रकांता मेरा है। बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? कौन है तुम लोग? अब समझ आया कि राजपाल जी कविता गजलें पोएट्री किसको देख के लिखते हैं? किसको देख के? आपको। आपको नहीं शादी हुई ना आपकी? 10 साल हो गए शादी को। 10 साल हो गए फिर भी नूर टपक रहा है भाई। लेकिन कल को बच्चा बच्चा हो गया तो नूर तो कम हो जाएगा, समझ रहा है? 9 साल का बच्चा है हमारा। 9 साल? 9 साल का बच्चा आपका? हाँ। ये संतूर वाली मम्मी लगती हो आप। देखो एड वाली। हाँ। बिल्कुल शाइनिंग कम ना आपकी बस। अच्छा हाँ ये बताना तो भूल गए, राजपाल जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। देखो ये डीओ करने के लिए, साथ में फूल है,
ये हार्ट शेप वाला केक है, सारे गिफ्ट आपके लिए है। सर चीन सबको आप साहब की तरफ से छोटा सा सॉरी समझिए। ये सब मारे लिए दिया? जी हमें क्यों देंगे, 10 साल में 8 तक तो दिया नहीं। अरे पुलिस वाले ना आने में टाइम लगता है, पूरे हरियाणा का बोझ है सर पे, बिजी रहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बताते भी है बस। सर इस बार आएंगे ना, प्यार से बात कीजिएगा स्माइल करके। चलो जी, जैसे भी करके ना कानून अपने हाथ में ले लेना, ठीक है? बावड़ा हो गया, पूजा पूजा पूजा, देख के हाल हो गया तेरा, छोड़ कर नहीं देता उसका चक्कर। अरे पापा ये फालतू का ज्ञान सुनन का मूड ना है, थोड़ा आस्ते से बात करो। हाँ हाँ बेटा जाओ, ये नींद आ रही है, मैंने देखूंगा मैं भी, यो पूजा है कौन, यो पूजा एक बार मेरे हाथ लग जाना कहाँ रहेगी। चल उठबे गुजरा के जस्टिन बीबर, थोड़ा धीरे से बात करो, इनके कान का ऑपरेशन हुआ है। अंकल को बवासीर है? कान कान। अरे कौन है भाई तुम दोनों? पूजा के भाई से जमा लगाएगा तू, ये बिगड़ायल जिद्दी टोटो। भाई साइलेंस, तू है बिगड़ायल जिद्दी टोटो, फालतू में नस काट ले, हैं बताऊं तेरे को मैं? नहीं नहीं नहीं, मारना मत, मारना मत भाई साइलेंस, मारना मत, काट के जाएंगे तेरे को। ये क्या है ये, पूजा पुजारी बना फिर रहा है भाई? बच्चा है, बच्चे देखो छोटा बच्चा है, देख छाती से ज्यादा बाल है इसके, तेरे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे औरतों के ना पति ना छेड़ पाते, तू साला छेड़ेगा? ये छेड़िया ना हूं, प्यार करूं उसने, पूरा मोहल्ला प्यार करता है, सबसे शादी करा दूं मैं? माना बज्जात है, फोन पे गंदी गंदी बातें करती है, तू साला है तो अपनी सिस्टर। भाई साइलेंस, है तो अपनी सिस्टर। सीता मैया की कसम, मेरे बहन कटेगी फिर कटेगा बहन का फका। What is this? Silence. उसकी पूछ। अरे छोटे बल्लार, किंगे गुजारा? चॉकलेट लेने पापा। रे तेरी तो चॉकलेट बहुत खाता भाई। ले ले। मेरे पास तो है। रे तेरी, रे तेरे से बड़ा नोट किसने दे दिया तुझे? मम्मी ने। दो अंकल आए थे, उसके बाद से मम्मी बड़ी खुश है। है? दो अंकल? कैसी लग रही है? अरे ऐसी लग रही है जैसे बियर की बोतल रखी रखी फूट गई हो। ये गिफ्ट कौन लाया? ऐसे बन रहा है जैसे पता ही नहीं है। दिया किसी ने? किसने? किसी जानने वाले ने। ओ तेरी, हमारी पीठ पीछे ही वो सब चल रहा और कब से चल रहा है वो? हैं जी, जो गिफ्ट बन कैश में? कैसी बातें कर रहा है? बात ना टाले मत ना। अरे आपने तो भेजा ही है। अरे पुलिस वाले भी किसी को कुछ देने लगे तो काहे के पुलिस वाले? अच्छा एक मिनट, इसमें कलाकंद होगा। क्लियर, मैंने ना भेजा, मेरा पुलिस वाले के घर ही तिजोरियां टूट रही हो, मैं पता भी ना। अरे तमीज से बात करो, ऐसा ना मैंने गुस्सा आ जाए। अरे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3-4 फीट के कर लेगी, के कर लेगी, के कर लेगी, के कर लेगी, के कर लेगी। एक बार गिफ्ट भिजवाया ऊपर से ना ले ले, पागल हो गया? मैंने रहनी नहीं मेरे साथ, रहनी नहीं, शहर की औलाद बड़ा। हट जा, रे पूजा से शादी करूंगा मैं। अरे पूजा डार्लिंग फोन उठाओ यार। हेलो हेलो पूजा, पूजा हेलो 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 पूजा। अरे यार ना ये बोल रहे हैं ना ये बोल रहे, दोनों कोई बोल ही नहीं रहे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तेरी नहीं मम्मी, पूजा फोन नहीं उठा रही और कोई तेरे फोन पे फोन करे जा रहे हो। मैं देखता हूँ, जाओ यहाँ से। पूजा पूजा
वो तो मैं लाउड बोल रहा हूँ। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं नहा रही थी। अकेले? नहीं, मैं ग्रुप में नहाती हूँ, पूरे मोहल्ले के साथ नहा रही थी। काश हम भी तुम्हारे मोहल्ले वाले होते। हो जाओगे। तुम मिलने की बात कर रहे थे ना? हाँ, कब? कब? आज शाम 7 बजे। 6:30 बजे? अरे हम 6:30 बजे आएंगे, तुम और राहुल पक्को है, पार्टी को 7:30 बजे पहुंच जाएगा। लव यू। लव यू, लव यू। अरे ऐसा बोलोगी तो हम तो 5:45 बजे पहुंच जाएंगे। करमू। हाँ। हाँ बेटा, तेरी पूजा, तेरी होने वाली मम्मी पूजा ने हमें बुलाया। बेटा बेटा चल मेरे साथ तू। मैं ना जा रहा हूँ। तू अभी मुझसे नाराज है? रुको, मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूं। अरे बेटा तू चलेगा ना मेरे साथ? चल तो मैं देता पापा, पहली बार जा रहे हो अपने से डबल उम्र के पति और हम उम्र बेटे को देखकर मम्मी रिश्ता ना तोड़ दे। अरे अकेले जाओ। बेटा तू कितना मेरा ध्यान रखता है। बेटा ऐसा, बेटा बस बस, इसको मैं पागल ना बनूं जगजीत। बधाई हो दादी। बधाई हो दादी। बधाई हो। बधाई हो। पैर पहना दादी। हाँ बधाई बेटा, तुम्हें भी बधाई। जी। किस बात की बधाई? दादी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोड़ो इसे, जे पियो। दादी मैं पैक बनाता हूँ। बेटा तूने तो हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी। हाँ। हम लोग ना एक हाथ दो पेग लगा लिया करते थे जब बाबू था। हाँ। अरे बाबू सोना, सिम कार्ड में अभी भी बैलेंस है। तेरे दादाजी का नाम बाबूलाल था। अच्छा, वैसे वाला बाबू। किस बात की बधाई? तू कुछ बोल रहा था बधाई? वो महेंद्र भैया की शादी तय होगी ना। महेंद्र की शादी? वो ही ना बताया किसी ने? आपको ना बताया? आप इस घर की नहीं पूरे शहर की सबसे पुरानी औरत हो, आपको तो बतानी चाहिए थे ना। अरे क्यों बताएगा भाई, सोचा होगा जब शादी होगी तब होगी, तब दादी होगी कि नहीं होगी ये किसको पता। ऊपर से एक प्लेट का खर्चा बचेगा वो अलग, ये दादी बिना दांत की कितना खा लेती। सही बोल रहा है दादी, किसी लड़की पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फोन पे सबसे ऐसी वैसी गंदी गंदी बातें करने वाली पूजा नाम की लड़की है। नाम पूजा और गंदी गंदी बातें? अरे दादी गंदी गंदी बातें, फोन संबंध, गंदी गंदी बातें। इतने आओ, तुम्हारी कसम दादी 8-10 लौंडे उसके पीछे पड़े, अगर उस घर पे आ गई ना महेंद्र भी खुश, दीपक भी खुश। दीपक क्यों खुश? अरे दादी जो 10 लड़के हैं ना उसमें से सबसे आगे वाला दीपक ही तो है। सोचो कैसी लड़की होगी, क्या चरित्र रहेगा उसका। दादी माँ ही हमारे घर में आके सेटल हो जाएगी, फिर आएगी वो लड़की इस घर में, आपका ख्याल रखेगी? नहीं रखेगी। इज्जत करेगी? घंटा नहीं करेगी, आधा घंटा नहीं करेगी। दादी आप आजकल अखबार में खबरें पढ़ रही हैं ना कि नई बहू ने पुरानी ददिया सास को 30 सेकंड के अंदर तकिए के नीचे दबोच के मार डाला, क्या होगा बताओ? दादी का चौथा है क्या? बकरा पैग दादी, पैग। अरे एक आधे में पानी तो डाल लेती, इतनी जल्दी ना मरूंगी मैं। सही बोल रही है। देखती हूँ मैं ये शादी कैसे होती है। बस दादी ये वो बना के रखियो, चलते काम हो गया। ए रखा। जगजीत सर हम आए, इशारे पे बजवाते रहना ठीक है सर। और 200 रुपये रिटर्न कर देना प्लीज। हाँ उस्ताद जी। हुँ? ये टेबल नंबर 10 ने दिया है। राहुल होठों से कह दो तुम, मेरे इश्क में रंग भर दो।
आप कौन बहन जी? पहचाना नहीं क्यों तू? ना पूजा। पूजा? और ये मेरी कुआरी आपा आफरीन। जी सस्रीकाल। सस्रीकाल। हम हर धर्म को मानते हैं, अभी भी चर्च से आ रहे हैं। आप पूजा और जे आफरीन। देखिए जिस धंधे में हम हैं, मतलब जो हम काम हम करते हैं, उसमें असली नाम बता नहीं सकते। हमारा असली नाम है जुबैदा मिसबाह शोएब अख्तरन मोइन खानम इंजमाम उल हकन। आपने इससे पहले बताई नहीं आपको? कैसे बताती मैं, आप खुद ही बताइए ना। अब आप भी तो राहुल के हिसाब से कुछ ज्यादा एजेंट नहीं लगते। वैसे आपके यहाँ और कौन कौन है? हम ज्यादा नहीं, बस 8-10 भाई बहन हैं। बहने हैं रजिया सुल्ताना और भाई हैं अकबर बाबर दिलावर जोरावर पेशावर और कुतुब। एक आप शाहजहां नहीं है? हट, अब्बू को और भी तो काम होते हैं ना। मैन काम तो यही लग रहा है। वैसे आपके अब्बू करते क्या है? वो घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे काम करते हैं। आप लोग जितने भाई बहन, लगता नहीं है आसपास कोई मेडिकल स्टोर होगा। एनीवे हमें मंजूर है। का मंजूर है? निकाह। राधे, अब्बू हज पे गए और वापस लौटते ही आपसे मिलेंगे। अगर आपके पैर छू लिए तो बुरा मत मानिएगा। पैर के छुए? आपसे 20 साल छोटे है ना। रब ने लूटा छीना मेरे प्यार की दौलत। ए बेटर वाले भैया। जी सर। जाए बंद करवाए दो, जिम हो देख के गाय चले जा रहे। हाँ ठीक है। मेरे प्यार की दौलत। अरे उस्ताद जी बंद करो, बंद करो, टेबल नंबर 10 मना कर रहा है, बंद करो। बंद कर यार। जुबैदा जी। हाँ क्यों तो? हमें बहुत 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 जोर की पेशाब घर लग रही है। जाइए, इस उम्र में ना पत्थरी हो जाती है वहाँ पे। राधे राधे राधे, भागिएगा मत। खुदा हाफिज, लव यू। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। पूजा मम्मी कैसी है? हाँ दिखने में कैसी है मम्मी आंटी? पूजा अजान निकली। क्या? पूजा अजान निकली? हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद पहली बार हमारे जीवन में प्यार का फूल खिला, लेकिन पता नहीं किन मनहूसों की नजर लग गई, राहुल का प्यार अधूरा ही रह गया। पूजा मुसलमान निकली, बाको असली नाम जुबैदा बेगम जहारा और पता नहीं कहाँ कहाँ आया भैया। क्या? हाँ उसके 8-10 भाई बहन। 8-10? अरे टाइम बताया होगा अंकल। टाइम बताया नहीं बेटा, टाइम हमारो खराब चल रहा है। मुझे शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रहे हो पापा, आजकल के जमाने में क्या हिंदू क्या मुसलमान। शाहरुख ने गौरी से नहीं की? की? आमिर ने किरण से नहीं की? की? सैफ ने करीना से नहीं की? अरे बिल्कुल की। सुरेश ने हमीदा से नहीं की? सुरेश कौन है? गोवर्धन पे गन्ने का जूस बेचता ना। अच्छा वो। ओ, ज्यादा क्यों दूर जा रहे हो आप, स्माइली को देख ले हो। जी सरदार मुसलमान है? नहीं नहीं, जाकी मंगेतर सकीना मुसलमान है। क्या मेरी मंगेतर मुसलमान? भूल गया? हाँ भूल गया, याद दिला याद दिला। अबे सकीना, तू बता दे आज पापा को कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी होने वाली मंगेतर मुसलमान। नहीं मैंने जरा भी प्रॉब्लम नहीं अंकल, वो मुसलमान की होंदे ने अदब प्यार मोहब्बत। लेकिन बेटा मुसलमान के साथ शादी कोई प्रॉब्लम? सही कह रहे हो, थोड़ी प्रॉब्लम तो है। अबे क्या 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 प्रॉब्लम है बे? तू कैसी बातें कर रहा है यार, मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं उनका नाम क्या रखूंगा? रजिया चड्ढा हरप्रीत हुसैन हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते घूमेंगे। कैसा लगा अंकल बताओ, कैसा लगेगा आपको? बात तो सही है। क्या सही बात है, कोई अपनी भैया के पेट से सरनेम लेकर पैदा नहीं होता है। क्या कहेंगे, बधाई हो लड़का शर्मा हुआ है, लड़की शुक्ला भाई है। क्या अग्रवाल क्या अंसारी, प्यार प्यार होता है पापा। बात तुझे भी सही। मान गए मान गए, अगर बैसाखी और ईद एक दिन पड़ गई तो मैं पहले क्या खाऊंगा, राजमा चावल या बकरा? बात तुझे भी सही है। बकरे को राजमा चावल खिला के बकरा खा लियो। राधे राधे, का बकरा हुआ? ईद पे लाखों बकरे कटते हैं पापा, एक अपने घर में कट जाएगा क्या चला जाएगा आपका? सोच लियो, चलती बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी जैनिज्म प्यार से ऊपर है, मत करो शादी।
रहन दियो। जे का बात होती है? अरे अम्मा चिता जा रही है। दादी कहाँ जा रही हो? अरे अम्मा पीछे। अरे रुको, अरे चुप भी बैठो। मैं भैया से बात करती हूँ ना। मैं अब इस घर में ना रहूंगी, जल्दी बस। कहाँ जा रही हो? लो आई गो, खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने वाला। जी क्या बात बोल रही है दादी? यहाँ मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही है, आप क्या कर रहे हो? कौन पूजा, क्या कॉलिंग, क्या गंदी गंदी बातें? क्या गंदी गंदी बात? ऐसी लड़की अगर इस घर में रहे तो मैं ना रहूं। जल्दी पक। रुक देख पक। पहले पक्का करो क्या करना है। पक्का कर लियो, पूजा से प्यार करते हैं और फोन पे ऐसे बात करने वाली हर लड़की गंदी ना होते माही। उसने हमारी और हमने उसके दिल की बात सुनी है, शायद कोई जरूरत हो, कोई मजबूरी हो, इसलिए फोन पे ऐसे बात करती है। तू तो समझा माही। प्यार करते हो उससे? पक्की बात? दादी भैया प्यार करते हैं तो मिल लो लड़की से। चलो मिलना नहीं है तो फोन पे बात ही कर लो, सीधा घर छोड़ने की क्या बात है? पापा ही महेंद्र पे भरोसा रख दादी, मैं कभी कुछ गलत करूंगा। हाँ ठीक, फिर भी तुझे लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो तू रुक, मैं जा रहा हूँ। रुक महेंद्र, मेरा सामान है। हाँ तो ठीक है, रख अपना सामान। ये सच्चा प्यार है दादी, तुम नहीं समझोगी। राधे राधे। भैया वापस आओ। बोलो। अब मान जाओ दादी, मान जाओ। प्यार करते हो उस लड़की से? तुम्हारी कसम दादी। वैसे भैया अब गाय भैंस दूध दही करते करते समझदार हो गए हो। अच्छा फोन लगाओ ना भाभी को। नहीं मुझको शर्म आ रही है। अरे लगाओ ना भैया। रेंडे अब तो लग गए हो। ये देखो रफी की रफ कॉपी, जब देखो गाना शुरू कर देता है। हेलो। हाँ पूजा जी, हमारी दादी बात करेंगे। दादी? बहू पैक लगाऊं दादी? है? अरे मतलब पाए 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 लगाऊं दादी। हाँ जीती रहे बेटी, क्या कर रही हो? बस पौधन में पानी डाल रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ दादी मेरी बात कराओ। हाँ बेटा। हेलो भाभी, माही बोल रही हूँ। हाय। हाँ आपके ननद। हाय। भैया ने दादी को सारी बातें बता दी और दादी शादी के लिए मान गई है। अरे पूजा बेटी अपने पौधों में पानी डालियो तो पापा के पौधों में भी डाल दो पानी। बेटी घर में सबने अपने अपने पौधे लगा रखे हैं क्या? हाँ चलो बाद में बात करती हूँ भाई, पापा बुला रहे हैं। ओके बाय। जाओ पापा के पौधों के लिए पानी लेके आओ। साला महेंद्र ने सब बता दिया। वैसे दादी भाभी के बारे में सारी गंदी बातें बताई किसने आपको? हाँ बस वही तो नहीं याद आ रहा, कौन हरामखोर बता के गया। क्या हो भाई? पानी पानी। यार पापा भी कितनी अलग चीज बनाई ना ऊपर वाले ने। तेरे पापा तो कुछ ज्यादा ही अलग है। कभी कभी सोचता हूँ कि सारी जिंदगी पापा ने अकेले कैसे काट ली मम्मी के बिना, और एक साले हम हैं, जरा सी टेंशन होती है शराब उठा लेंगे, और एक छह आदमी सिगरेट ना शराब, जिंदगी में प्रॉब्लम होती भी होगी ना आज तक हमें ना ही बताई। ऊपर से ज्यादा ही हर्ट कर दिया मैंने उन्हें। सही कह रहा भाई, भले ही तेरे से ज्यादा मुझे डांटा हो आज तक इनकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा, कसम से। माफी मांग लेंगे यार। उठो
बहुत जोर लगा। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। पापा आप जगजीत सिंह से सीधा मेहंदी हसन मोहब्बत में जी अंजाम तक पहुंचा दो। दुकान के बोर्ड के साथ साथ पुश्तैनी दुकान ही बदल दी। जिंदगी में अब तो बाहर आई है, अब मौत का बदबूदार सामान नहीं बल्कि खुशबूदार मोहब्बत बेचेंगे तुम्हारे अब्बा। अब्बा कौन? हम बेटा, हम तुम्हारे अब्बा, हम बारात। तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी और हम बदल गए। इस बदलाव में सबसे बड़ा हाथ है जा मियां इस्माइल को। इस्माइल? नहीं नहीं अंकल, स्माइली ई काट दो इसलिए इस्माइल। पापा जे जे लिपाई पताई क्यों कराई है? दिवाली पे तो कराई थी, अभी अब अपनी ईद भी तो आ रही है ना बेटा। अपनी? हाँ। तुम ही कह रहे थे ना कि ईद पे लाखों बकरे कटते हैं, तो एक और कट गओ तो का है जाओ है? देखो सामने देख रहे, कुर्बानी के बकरी के लिए हमने भापे खूंटा ठकवा लो। बेटा इस बार ईद पे तुम सकीना को लेके आना। बिल्कुल। वो कौन है? तुम्हारी मंगेतर। मंगेतर सकीना? नहीं अंकल, वो तो बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? वो हज पे गई है ना पटियाले। हज पे पटियाले? मेरा मतलब पटियाले में उसके खाला खाली रहते हैं, तो इसलिए वहां गई और वहीं से हज। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अंकल आप उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं? जाहिल, ये उर्दू नहीं है, उर्दू। उर्दू, और उर्दू बहुत ही नफीस बढ़िया आला दर्जे की सीरी जबान होती है। और सुनो, शायर ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि तुम्हारी जुल्फ के साय में शाम कर लूंगा और सफर एक उम्र को तमाम काम कर लोगो, और नजर मिलाई तो पूछूंगा इसको अंजाम, और नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लोगो। अच्छा अच्छा, समझ नहीं आया अंकल। हमें कहा समझ में आई? ईंटे क्यों मंगवा रखी है आपने? अब बेटा, अब हम शाहजहां तो है नहीं कि ताजमहल खड़ा करवा दे, और तुम्हारी होने वाली अम्मी के 8-10 भाई बहन है, तो हमने उन 8-10 के लिए वहाँ 4 ऊपर मकबरे बनवा रहे हैं। कमरे कमरे। हाँ वही वही। आओ मियाँ इस्माइल, तुम्हें दीदार करवाते हैं। अब देखो देखो देखो, जहाँ हो रही है कमरों की ताबीर है, जब कमरे बन रहे हैं। क्या बात है। जहाँ पे हमारा कुनबा रहेगा हम रहेंगे, और रहेगी हमारी बेगम। क्या हुआ अंकल, ठीक हो? दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, अचानक सटक के याद आ जाती है। बड़ी कातिलाना जालिम आवाज है। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये कहना चाह रहे थे कि हमें तुम्हारा और अपना रिश्ता कबूल है। तो एक काम करो, अपने अब्बू को फौरन भेजो निकाह की तारीख मुकर्रर करने के लिए। जी अब्बू हद कर रहे हैं। हद कर रहे हैं कि हज कर रहे हैं? नहीं, मेरे वाले हद ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जब लौट के आ जाए तब भेज दो। हमारे साथ तुम्हारे बेटे को खास अजीज दोस्त है मियां इस्माइल, बच्चे जैसा है। हेलो मम्मी आंटी जी। सलाम। अबे फोन रख, जिंदगी पागल है को है। हाँ भाई, जिस तरह अंकल में चेंजेस आ रहे हैं ना, एक दिन चिड़िया दिखा तेरा कौवा ना उड़ा दे। देख के काट। सारा टाइम इतना खराब चल रहा है ना, कुत्ता भी भौंकता है, ऐसा लगता है एडवाइस दे रहा है। भाई पता है भाई, लोग उड़ते तीर के सामने आते हैं, तू तो उड़ते भाले के सामने आए। तेरे मैं ये सब तो फुल निकाह के मूड में बता रहा हूँ। इसकी कमी थी रोमा। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? क्या बात है, आज बहुत अच्छा मूड लग रहा है। हाँ, मेरे पास गुड न्यूज है दीदी। गुड न्यूज? हाँ, मेरी शादी हो रही है, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड से। व्हाट? ये तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है, बट नॉट फॉर मी। लिसन साइन, तुम्हें पता है ना ये सारे मर्द एक नंबर के कुत्ते होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा अनुराग कुत्ता नहीं है, इस मूंछ भी माथे पे करते हैं। शुरू में ना ये सारे मत शरीफ होते हैं। देखो मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी जिंदगी खराब करे। पूजा तुम मुझसे मिलो ना मिलो, मैं तुम्हारे अनुराग से जरूर मिलना चाहूंगी। मिलने की क्या जरूरत है, मैं अभी फोन पे बात कराती हूँ। अनु बेबी। हाँ पूजा।
फोन पे नहीं, फोन पे न जाने क्यों मुझे सबकी आवाज अच्छी लग जाती है। उसे बोलो कल मिलना है, टाइम और जगह मैं बताती हूँ। सुनो, पॉसिबल होगा तो तुम भी आ जाना। बात तो सुन ले, पूजा के बॉयफ्रेंड को मिलने बुलाया। अरे हैप्पी बर्थडे। एक तो औरत, दूसरी एक्सपीरियंस, तीसरी न्यूज वाली, चौथी दिमाग वाली। भाई कहाँ से लाएगा पूजा का बॉयफ्रेंड? ऑनलाइन लग गए भाई, लग गए। तो कहाँ मिले थे पूजा से पहली बार? पहले तो फोन पे बात होती थी, फिर वो आवाज पसंद आ गई। उसकी आवाज है ही ऐसी? नहीं नहीं, उसे हमारी आवाज पसंद आ गई। और किसने किसको प्रपोज किया? जैसे हमारी शक्ल है उसी ने कर दिया। उसे बताना मत प्लीज। सॉरी, तुम तो अपनी शराफत का ही शो ऑफ करने आए हो ना यहाँ पे। ओह नो, आई डोंट ड्रिंक, आई नेवर स्मोक्ड। चल जीरा मंगा दूँ। डियन कूल शिट। मैं शरीफ हुआ या नहीं इसका अंदाजा आप मेरे सिगरेट शराब पीने से लगाएंगे? इस हिसाब से तो आप बहुत ही बिगड़ी हुई हैं। सिगरेट शराब पीना बुरी आदत हो सकती है, बुरा कैरेक्टर नहीं, समझे मैडम? से बात कर रहा है? Is this a way you talk to a woman? तो देख अभी मैं पूजा को फोन मिलाती हूँ। रुकिए, लगाइए। मैं तो लगा ही रही हूँ ना, फिर समझ में आ जाएगा। कैसा लगा मेरा अनुराग? थोड़ा भड़क भी जाए तो गुस्सा मत करना, गुस्से में भी क्यूट लगता है। मैं जानती थी, I knew it, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। I'm so lucky. मुझे हो गया। दुनिया में हर कोई गलत है और सही वो है जो कम गलत है। और हाँ, आपकी विस्की और लेवल मुझे आपसे बहुत बड़ा लगा। और एक बात पल्ले बांध लो, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा और उसको सब कुछ दूंगा। ओके? राधे राधे। ये दीदी कौन है? तुम्हारे मतलब का माहौल ना है यहाँ पर। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खरीदारी कर रहा हूँ। क्या था पिसा में? करा? माहिक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शॉपिंग कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो मीटिंग के लिए आया था। चलो चलते हैं। ओह माय गॉड, तो तुम हो पूजा? हाय रोमा। मैं पूजा नहीं हूँ, मैं माही हूँ, इनकी होने वाली वाइफ। व्हाट? साले टू टाइमिंग कर रहा है साले। या तो तू पूजा को धोखा दे रहा है या इसे। पी रखी इसने। चल चल चल। एक सेकंड एक सेकंड। पी रखी तो क्या कुछ भी बोलेगी? क्या मतलब है आपका? अरे ये फ्रॉड आदमी है, चीटर एक नंबर का। अभी ना मुझसे पूजा का बॉयफ्रेंड बन के मिलने आया था। दीदी आप किस पूजा की बात कर रही हैं? अरे है यार मेरी एक फोन वाली फ्रेंड। फोन वाली पूजा? उनसे तो हम प्यार करते हैं माही। अरे लेकिन पूजा ने तो मुझे बोला कि वो अनुराग से प्यार करती है। अच्छा, अब जी अनुराग कौन है? अबे ये अनुराग। लो, उन्होंने भांग भी रखी है। आपको गलतफहमी हुई है, ये अनुराग नहीं है, ये करम है। आ, ये कोई करम वरम नहीं है, यही अनुराग है। झूठ बोल रही है, झूठ झूठ बोल रही है माई। चलो ना तुम। अगर ये झूठ बोल रही करम तो तुम सच बता दो। वो बहुत लंबी कहानी माई, मैं आराम से बात करता हूँ। अभी बताओ करम। करम इसके सामने क्लियर करो। तुम झूठ बोल रहे हो करम। रोमा, पूजा, क्या नाम है? माही, सुनो तो। जीजा जीजू, जे बहुत गलत करो तने। भाई बहन की माँ बन गई। हट, तू हट। साइड प्लीज। माही 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 बात सुनो। मैं बैग ले कहाँ जा रही हूँ? बात तो सुनो माही, प्लीज प्लीज समझाने का मौका दो एक बार प्लीज माही प्लीज। अरे राम राम भाई, दिमाग खराब ना कर, साइड हो पहले, दिमाग खराब रखा। हाँ दिमाग खराब मत कर, मेरा तो हो रखा, तू अपना क्यों कर रहा छोटे भाई? दीदी सच सच बताओ, पूजा को आप कैसे जानती है? मैं प्यार करती हूँ मैं पूजा से। ऐसा कैसे प्यार करती है? हम प्यार करते हैं पूजा से। दीदी
साले क्या तुमसे दीदी दीदी लगा रखा है? उस दिन तो घना कट रहा था, आज घना सॉफ्ट हो गया सॉफ्टी। रे क्या बोल रहा था? काटेगा रे, मारो रे। रुक, तुम मुझे मारो। वहां मेरी बहन पूजा का पति उससे मार रहा है, तुम मुझे मार लो। पूजा का पति? हाँ, बहुत परेशान कर रखा। पूजा शादी शुदा है, कभी बतलाया ना मैंने? किस मुंह से बताती, क्या बताती, हर घंटे दहेज मांगता है वो। बचा लो जीजू प्लीज। जीजू? हाँ। आज से तुम्हारा साड़ा है, तू टेंशन ना ले। गुज्जर किस तरह कुट्टे है ना, लाइफ दिखाता हूँ तने, तेरे जीजू का वादा है। चल भाई, चलो चलो चलो। हमारी पूजा को मारता है साड़ा। पास बताओ, जान से मारेगा रे गरीबों के अभिषेक बच्चन। मारी पूजा पे हाथ उठाता है तू? मारी पूजा? जब क्या बोल रहा है दीदी? अरे मारो रे। अरे ऐसे कैसे मारो, बात तो कर लो। एक सेकंड, कैसी थी रिकॉर्डिंग? पूछ भाई। ऑटो! अरे पर हुआ क्या? रुक ना रहो। अरे अबे, अरे ऑटो ऑटो भाई कहाँ जा रहा है? दो मिनट। अरे भाभी जी कहाँ है? भाभी जी घर पे है बे, चल। हेलो, वो कैंसिल है ऑर्डर यार। ऑटो, ओ पैन, मेरे पास तो अपनी बुलेट है। अबे साथ चला, पीछा कर रहे, रेस ना लगा रहे। एक मिनट, अब मार लो। अरे बता तो क्यों मार रहे हो? अरे मार के मत, अरे बता के तो मारो। जी जी, दीदी बचा लो। घबराने की जरूरत ना है, ये आ गया हूँ मैं। वही वही, रुको तो, वही मेरी बात सुनो। अबे आवाज कम कर। ये क्लियर में नहीं है भाई साहब, कम आवाज में भी इतनी तेज गाता है तो बंद कर। वही सुनो तो, वही रुको, एक बार मेरी बात सुन लियो प्लीज। क्या सुनो मैं करम? और है कौन तू? अरे मैं टोटो, फोन पे तेरे से प्यार करूं। ये देख तेरा नाम का टैटू भी बना लिया है, PUJJA। अबे मेरा नाम ना रोमा है, और ये स्पेलिंग गलत है पूजा की। अरे पर प्यार तो गलत ना हो सके ना। अगर किसी और से प्यार करते तो मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? भाई मैं पूजा से नहीं, सिर्फ तुम्हारी से प्यार करता हूँ। तो ये बात उस लड़की के सामने तो नहीं बोल पाए तुम करम? क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में करम? तुम भी झूठी बोल रहे हो। अबे क्या कंफ्यूजन है, हैं? तू बोल रहा है तू प्यार करता है पूजा से, वो प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ। और कौन है ये पूजा? सब पूजा 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 क्यों कर रहे हैं? ओह गॉड, तुम्हें क्या लगता है मेरा पूजा से अफेयर है? हाँ लगता है मुझे। अब भाई भाई रुको तो। बट मैंने एक बात समझ में ना आई, फोन पे तो तारी आवाज एकदम मिट्टी मिट्टी सुनाई देती है, या घनी मोटी मोटी लग रही है। मेरी आवाज मोटी लग रही है तुझे? नहीं बोला ना मैं नहीं पूजा। पकड़ो, अरे भाई यहाँ से पकड़ो भाई, चल पकड़ सुरेश। क्या है ये पूजा का चक्कर? अबे सरपंच स्पीड बढ़ा। हेलो पूजा, तुम्हारा अनुराग में साला एक नंबर का फ्रॉड निकला। अबे कीड़े पड़े तुझे, लोगों का घर तोड़वाती है दारूबाज औरत, फोन रख। ये किसे कॉल लग गया? वही, एक बात सुन लो। नहीं करो। अच्छा तो सुनो, सच सुनो। हाँ मैं पूजा से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक हैं, एक जिस्म एक जान। ओके भैया ऑटो रोको। अबे तू भी रोक ले, तू भी रोक ले भाई। क्या कहा तुमने? आई लव यू। एक जिस्म और एक जान है मैं और पूजा। पूजा है इतनी अच्छी, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारे भाई महेंद्र के साथ साथ तुम्हारे ससुर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। क्या? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बस तीन बार कह देने से निकाह हो जाता है। एक दफा जोर से कह दे तू। हम क्या पूरे शहर को सुनाओगे? सारा जोर निकाह पे लगा दोगे तो सुहागरात में क्या झुनझुना बजाओगे? ये पायल, पंखुड़ी, ज्योति, यास्मीन, पूजा कहाँ है करम? पूजा, पूजा भी है कहाँ? करम, करम, करम। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, प्लीज। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। करम ही पूजा है, वो पूजा जो करम के बिना रह नहीं सकते, और करम तुम्हारे बिना। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नौकरी, सर पे लोन थे। इस पूजा से तुम मुझे भी प्यार हो गया।
पूजा बेबी, कौन जो बिगड़ी हुई समथिंग समथिंग समथिंग। ये माही है, मेरी होने वाली वाइफ। ओ। पूजा को देखने आई थी। तूने सब कुछ बता दिया? आप यही तो चाहते थे। ये डब्लू जी एक कॉल सेंटर चलाते हैं। जिंदगी में सारथी बन के आए थे, पता नहीं कब स्वार्थी बन गए। धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो पूरे मोहल्ले के सामने आरती उतारेंगे मेरी। कितने घटिया आदमी हो। आरती आपको सिर्फ इस पूजा की नहीं, यहाँ काम करे हर उस पूजा की उतारनी चाहिए जिनकी वजह से आपका घर चलता है। इनके बिना क्या औकात है आपकी? बातें तो तू इससे भी अच्छी करती है। तेरे सर पर कोई लोन हो तो बता दे, उतार देते। तेरी तो भूल ना मत डब्लू जी, पूजा एक मर्द है। अरे पूजा टू, करम करम कहाँ चुप बैठो है? अरे हरो घर लगता, गलत घर में आ गयो। अरे मियां महेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, और सब खैरियत? पहचाने नहीं हमें? अरे हम जगजीत अंकल, चाचा जगजीत। अरे राधे राधे अंकल। वालेकुम सलाम। तुम्हारी जी हालत? हमारी हालत छोड़ो, तुम्हारी जी हालत कैसे? कुछ नहीं अंकल, झगड़ा करके आ रहे हैं। बेटा ऐसे झगड़ा नहीं, पिटाई कहते। हाँ भाई भाई। कहा होगा अंकल, हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। कहा होगा वो? कहा आप इतने शरीफ, और कहा आपका बेटा करम? करम ने कहा कर दो अंकल, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसी के पीछे पड़ो है। कहा? माही के अलावा भी उसकी जिंदगी में कुछ छोरी है? जी अंकल। को? उसका नाम पूजा है। कौन पूजा? वही अंकल जिससे फोन पे बात करते करते पता नहीं कब प्यार हो। फोन वाले पूजा? हाँ हमारी पूजा। राहुल कपूर, मतलब हमारो बेटो करम अपनी होवे वाली मम्मी से इस कर रहा है? होवे वाली अम्मी? क्या बक रहे अंकल? ला हम बक नहीं रहे, उससे तो हम इस कर रहे हैं। प्यार में डूबे हुए बेटा, और बाको नाम पूजा नहीं है बेटा, बाको नाम जुबैदा है। राधे राधे, कितो बेशरम खानदान है। बेशरम की? बेटा तो बेटा, बाप भी। अरे ओ महेंद्र, अंकल अंकल इन्नो कुटो मोको। ओ भैया कौन हो तुम? अरे आपके निकाह की तारीख पक्की भी नहीं हुई कि आपके दूर के भतीजे भांजे भी आन कब के? अरे ओ चचा, भतीजा बांध जाना आऊं, पूजा का होने वाला पति हूँ मैं। या अल्लाह, ये कैसी औरत है जिसने मर्दों की हर वैरायटी को फंसा रखा है, एक मैं ही रह गया। ए मौलाना, मेरा जीना खोलाना। अबे जा, पूजा से हमारी हमारी। अरे लोमड़ी के, अरे मेरे और पूजा के बीच कोई आया है ना तो काट के रख दूंगा। अरे बालक, जुबैदा हमारी है। कौन जुबैदा? मुझे जाने दो। अरे तुम बैठो। अरे मुझे पेशाब आई है। अरे आने दो, तुम बैठो ना। अब तुम कहां से टपक पड़े, कौन हो? जी मैं वो शादी के लिए। शादी के लो लिए? एक और आ गया। अरे भाई मैं अपने पेशाब को तो किसी तरह रोक लूंगा, लेकिन कोई उस औरत को रोके? हमारे यहाँ ईद में इतनी सेवई नहीं बटती है जितनी कि वो औरत बट गई है। अरे शादी मतलब करम भैया ने डीजे के एडवांस के लिए बुलाया था। अबे डीजे का इसके जनाजे में बजाएगा? अबे क्या बक रहा है? एडवांस? अरे चल जा। अरे गुंडो मार। अरे अंकल जा से तो निपट लो, अब तुम्हारे बेटे को मैं देख लूंगा। नहीं, हमारे बेटे को तुम छुओगे भी नहीं, हमारे बेटे से हम निपटेंगे। उसने बाप के साथ दगा किया है और खुद रासलीला रचा रहा है, खुद रासलीला रचा, छोड़ोगे नहीं, अल्लाह की कसम छोड़ोगे नहीं, बाप के साथ धोखा किया भाले। भाई ये पूजा बनना, ये कॉल सेंटर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? किसी से सुना था दुनिया में हर कोई गलत है, सही वो है जो कम गलत है। अब ये सब मत सोचो, आज कृष्ण लीला है ना, मैं भी तो देखूं मेरा कृष्ण राधा बन के कैसा लगता है। Go, go.
गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली 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 गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां ये प्रीत है पुरानी मैं राजा और दुरानी हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे अधूरी भी है हम दोनों की कहानी पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी ये प्रेम तो रहेगा अमर कहता है जमुना का पानी करते हैं चालाकी ये करके ताकता की हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 निकलो साहब हो गया बहुत निकलो और तू बंद करियो नाटक बंद कर को भाई राधा को अबे जिस राधा को इतना सम्मान दे रहे हो ना तुम लोग ये राधा उसके लायक नहीं है साढ़े राधा नहीं बना होता ना जमीन खोद के गाड़ देता तुझे अभी एक मिनट पहले आप ये बताइए इन्होंने किया क्या है मर्डर किया मर्डर हाँ मारी पूजा का मर्डर और ये बात आपको इस आदमी ने बताई होगी करम पूजा का मर्डर कर ही नहीं सकता ये झूठ बोल रहा है अरे झूठ उठना है इसने मारिया है पूजा ने यो मने धमकाने हॉस्पिटल भी आया था तब इसने कहा था कि ये पूजा को काट देगा कैद में है जिंदगी चल आजाद हो जा मोहब्बत में चल बर्बाद हो जा तेरी शहद सी आवाज को कानों से चख लूं तुम्हारे इश्क का मीठा स्वाद हो जा तू कैसे जानता है ओ शायरी या तो मैं जानूं या पूजा जाने है मैं भी जानता हूं पूजा को बहुत अच्छी थी वो भागने ना पाए ना भागूंगा पूजा से तो मैं भी बहुत प्यार करता था फिर मारा क्यों उसे जो पैदा कर सकता है वो मार भी सकता है हर किसी की जिंदगी में रंग भरने वाली लोगों का अकेलापन दूर करने वाली पूजा को तो एक दिन मरना ही था लोगों को अपना बना लेती थी वो जब पूजा कहती थी हेलो मैं पूजा बोल रही हूं
मैं पूजा, जब लोगों से बात की तो पता चला कि दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं। जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हजारों दोस्त बना रखे तुमने, जो असल जिंदगी में एक सच्चा दोस्त है तुम्हारा, जो तुम्हारी बात सुन सके, समझ सके, जो अकेलापन इतना बढ़ गया है कि आज की डेट में कोई फैमिली फोटो लेता ही नहीं, सब सेल्फी के पीछे पड़े। और इन जैसे अकेले लोगों के लिए आई थी ये पूजा। लोगों से बात करते करते धीरे धीरे समझ में आई बात कि दुनिया के हर इंसान को एक पूजा की जरूरत है। और पूजा कोई जेंडर नहीं है, घर में माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामा, बीवी, कोई भी तुम्हारी पूजा हो सकता है, जिसे तुम अपने दिल की बात कह सको, जो तुम्हें ये एहसास दिला सके कि तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारी पूजा मिल गई ना, उस दिन अपनी फीलिंग कहने के लिए किसी फोन वाली पूजा की जरूरत नहीं है। सच जान गया आपसे पूजा का? अब इस डब्ल्यूजी के झूठ का सच क्या है भाई? वो तो अब यो ही बतावेगा कि पूजा कहाँ है। तो बताया तो सही, मार दिया होगा इसने उसको। हटाओ, चलो, ये है असली पूजा। बताओ, अरे बताओ सच क्या है। मैं ही पूजा हूँ और मुझे डब्ल्यूजी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। हमारी बगल में खड़ा होके हमारा ही काटना। पकड़ो ना, पकड़ो साला ने। चले यार, एक बात बता, तू ही पूजा है? हाँ, कर लो शादी, भर दो मेरी मांग। राजपाल किराड़, बीवी छोटी है। ए, तुम्हारी शादी होगी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, घर में रोमांच ना है, झगड़े होते हैं, रात रात भर ड्यूटी पे रहोगे, रोमांच का घंटा होगा। भोले भंडारी महेंद्र रफी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, सुनो, शादी कर लो शादी। नहीं, गाना गा के लड़कियां फंसा रहे थे? नहीं, सब गाने से लड़कियां फंसती ना, दुनिया के सभी सिंगरों का ध्यान गाने की जगह बजाने पे होता। गलती होगी, निकल लो गलती होगी। टोटो कहाँ जा रहा है? एक तू सा है, तू साड़ी के कार्ड पे लिखा होता ना मेरे तातू ताती की साड़ी पे जुलूल जुलूल आना, जिस बच्चे के लिए लिखा होता ना, तो उससे भी छोटा है, नाबालिग। मैडम, मर्द जात से विश्वास उड़ गया आपका। तीन केले क्या खराब निकले, पूरे बागीचे बुल्डोजर फिरा देंगे आप। शर्म आनी चाहिए, आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम हमारे मासूम से बेटे के दीवाने हो गए, जाहिल। ओ चाचा। हाँ बेटा। पापा उर्फ राहुल उर्फ जगजीत उर्फ मेहंदी हसन, माला की उम्र में वरमाला के सपने देख रहे हो? बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई, खुदा पाक के पाकी जलवों की कसम, हमें कतई इलम नहीं था कि हमारी जश्न बारात में नाचने वाला लौंडा ही हमारी बेगम बन जाएगा। वाह, बेगम, जश्न बारात, इल्म। 3 साल से इस आदमी को कंप्यूटर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आई। लड़की के पीछे 3 दिन में उर्दू सीख गया? हाँ, और क्या, क्लीन मथुरा का ग्रीन मथुरा बना दिया इस आदमी ने। हाँ तो कर लो शादी, निकल लो शादी, कौन करेगा शादी? किराड़ साहब, शादी कर लो शादी, कर लो शादी, कर लो, ये पहना दो मंगलसूत्र। मैडम कर लो शादी, शादी कर लो, किसको करनी है शादी? मैं करूंगी। हम तो कब से कह रहे हैं कर लो शादी। आजा नचले तू मत कर तेरी, मैनू बेटी है बस एक तेरी, तेरा वखड़ा स्वीट तैनू देने बस ट्रीट, तू ही दस दे शगन मैं की पावा। नशे दिए बोतले तैनु गट गट करके पी जाना, नशे दिए बोतले तैनु गट गट करके पी जाना, नशे दिए बोतले।
तू सॉफ्ट हार्टेड मुंडा मैं चीज करारी क्यों जेलस होंदा जे कोई कर मेरे नाल यारी हो तू सॉफ्ट हार्टेड मुंडा मैं चीज करारी हो क्यों जेलस होंदा जे कोई कर मेरे नाल यारी साडा मूड गुलाबी करता साडे दिल नु शराबी करता तेरे गिद्दे ने ओ कुड़िए सारे जग नु पंजाबी करता ओ तेरा मुखड़ा स्वीट तैनू देनी बस ट्रीट तू ही दस दे शगन मैं की पावा की पावा नशे दिए पोतले तैनू गट गट ओ तैनू गट गट तैनू गट गट करके पी जाना साडा मूड गुलाबी करता साडे दिल नु शराबी करता तेरे गिद्दे ने ओ कुड़िए सारे जग नु पंजाबी करता ओ तेरा मुखड़ा स्वीट तैनू देनी बस ट्रीट तू ही दस दे शगन मैं की पावा की पावा नशे दिए नशे दिए